गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर सुरेश बालोडिया फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आप सबका ग्लोबल वेबिनार सीरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मेरे गुरु डॉक्टर हर्षवर्धन जोबनपुत्रा हमारे इंस्टीट्यूट के आरएमओ और क्लिनिकल रजिस्ट्रार डॉक्टर मेहुल जोशी से विनंती करता हूँ कि सर को इंट्रोड्यूस करें। मेहुल सर। थैंक यू सुरेश भाई। सौ प्रथम तो सर तमने फरी वेलकम छे इंस्टीट्यूट में। आज बधाने कहता अमने गर्व थाय छे कि अमे जोबनपुत्रा सरना स्टूडेंट छीए, एमना शिष्य छीए, एमनी पासेथी शीख्या छीए अने एमना ज एटले સાહેબનો ઇન્ટ્રો કરાવવો એ અમારા માટે કરીને બહુ મોટી વાત છે કે અમે સાહેબનો ઇન્ટ્રો કરીએ. સાહેબનો ઇન્ટ્રોની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પણ છતાં એક જે પ્રાથમિક વસ્તુઓ છે સાહેબ વિશે થોડીક જણાવીએ તો ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન જોબનપુત્રા સર કે જેઓ સુશ્રુત હોસ્પિટલ નડિયાદમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી વધારે સમયથી પ્રોક્ટોલોજી અને સુધાયુર્વેદિક પ્રેક્ટિસ સાથે સંકળાયેલા છે. સાહેબ નડિયાદ આયુર્વેદ કોલેજ અને પારુલ આયુર્વેદમાં સાહેબે એકેડેમિશિયન તરીકે રિટાયરમેન્ટના સમય સુધી શલ્યતંત્ર વિભાગમાં પ્રાધ્યાપક તરીકે એમને અમારા જેવા ઘણા બધા પ્રેક્ટિશનરોને માર્ગદર્શન આપેલ છે. સાહેબ એમની સ્થાનની જ્યારથી એમને રચના કરી એટલે સાહેબે સાહેબ સ્થાનના ફાઉન્ડર અને ડાયરેક્ટર તરીકે 35થી વધુ શલ્યતંત્ર સાથે સંકળાયેલા સ્ટુડન્ટ્સને ટ્રેન કરેલા છે. અને સાહેબ હમણાં છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આરએવીના ગુરુ તરીકે સાહેબ જોડાયેલા છે, તેમજ સુશ્રુત પ્રોક્ટોલોજી એસોસિએશનના પેટ્રોન તરીકે સર જોડાયેલા છે. તો ગ્લોબલ આયુર્વેદ વતી સર હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને તમારું જ્ઞાન આગળ પસરાવો એવી તમને અરજી કરું છું. થેન્ક યુ. જસ્ટ અ મિનિટ, એક લિંક શેર કરવાની છે મારે, કરી આપું એટલે પછી એનો ફોન આવ્યો હતો. હા સર. નમસ્કાર જી. ગ્લોબલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ કે સાથ મેં પહેલે સે કઈ સાલો સે સંલગ્ન હું. આજ ઇસ પ્લેટફોર્મ પર મુજે બોલને બુલાને કે લિયે મેં આપકા ધન્યવાદ પ્રકટ કરતા હું. पढ़ना पढ़ाना एक जिंदगी का बहुत मज़ेदार काम है. तो आज हम पहले पढ़ने से शुरू के पहले एक मंत्र के साथ हमारा काम शुरू करें. वो मंत्र कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का है जो हम बहुत जानते हैं. मैं वो मंत्र बोलूँगा, बाद में उसका भाषांतर भी आपके सामने रखूँगा, फिर हम हमारे विषय के पर आगे जाएंगे. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. आमतौर पर हम सब ऐसा सोचते हैं कि ये खाने के पर बोलने का मंत्र है क्योंकि इसमें सहनौ भुनक्तु आता है, लेकिन सही में ये गुरु शिष्य के बीच का
अध्ययन अध्यापन करने से पहले बोलने के बोलने बोले जाने वाला मंत्र है, जिसका अर्थ है ओम सहना भवतु। हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनो सहवीर्यम करवा भय, हम दोनों साथ मिलकर सामर्थ्य प्राप्त करें। इसके आगे रह गया सहनो भुनक्तु, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं। यहाँ भुनक्तु है विद्या के फल का उपयोग। तेजस्विना वधि तमस्तु, हम दोनों बढ़कर और बढ़ाकर तेजस्वी हो। माँ विद्विषा वहे, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। इतनी शुद्ध उद्दात भावना के साथ जो हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था को हमारी संस्कृति में आगे बढ़ाया है, उसी पथ पर मैं अग्रसित होकर अभी मैं पढ़ना, आपको पढ़ाना और आपके द्वारा सीखने का प्रयत्न करूंगा। एनोरेक्टल रोगों के बारे में सबसे ज्यादा आयुर्वेद में परिचय होता है, सर्जरी में। आज तक आमतौर पर मेरे भाग्य में सिर्फ भगंदर यानी फिस्टुला पर बोलने का नसीब हुआ है, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है कहीं पर भी है। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो हम अर्श के बारे में भी चर्चा करें, पढ़े और पढ़ाए। आज का जो विषय मैंने पसंद किया है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अर्श एंड आयुर्वेदिक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। आप देखेंगे कि मैंने विषय को सीमित किया है, मैं सब एनोरेक्टल डिजीज नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं मॉडर्न एनोरेक्टल डिजीज नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, जरूर इसका कुछ आयुर्वेद समझने के लिए उपयोग करेंगे। मेरा प्रयत्न होगा कि आयुर्वेद में अर्श को कैसे वर्णन किया है वो एक समझे, अर्थात मैं अर्श शास्त्रोक्त विधि से ज्यादा पढ़ाने के लिए ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन अर्श को कैसे समझेंगे वो प्रयत्न करेंगे। और उसके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, कैसे यूज करनी चाहिए, उसका क्या रोल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी शस्त्र कर्म क्षार कर्म बाकी की मैनेजमेंट इस विषय में सम्मिलित नहीं है, इसीलिए आज मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएंगे, जिससे बाद में हर प्रश्न के आंसर दे सकूं। आपकी कोई कमेंट्स हो, कोई सुझाव हो तो भी आप इसमें छोड़ सकते हैं, कोई मुझे इसमें सुधार करने की ज़रूरत है सजेशन से तो भी आप छोड़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कहीं कुछ भी त्रुटियां रह गई हैं तो मैं इसमें सुधार कर आगे किसी को पढ़ा सकूं। तो इस इतने विषय के साथ मैं अपने विषय की ओर जा रहा हूं। जो हम कुछ भी पढ़ते पढ़ता पढ़ाते हैं उसका गोल क्या होना चाहिए, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा उसमें टेक करके भी रखा है, इफ यू लर्न मेथड ओनली यू मे गेट स्टक एट सम पॉइंट। हम क्या भूल करते हैं, हम किसी से कुछ टेक्निक या मेथड सीख जाते हैं या हम श्लोक रटाए रटाए याद कर लेते हैं। एग्जाम में जरूर अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं, कहीं से सीखे हुए हैं तो उतना काम करके हम पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम स्टक हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने भी यह अनुभव किया है। तो सिर्फ लर्निंग इज नॉट इनफ, यानी संहिताओं में या पुस्तकों में या कहीं पर जो कुछ दिया है उतना ही लर्न करेंगे हम तो जरूर न जरूर कहीं पर स्टक हो जाएंगे। हमारे आचार्य चरक ने भी कुछ ऐसा ही बताया हुआ है कि शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम,
काम करके, मतलब शास्त्र की जो ज्योति वो आपके प्रकाश के लिए है, दर्शनम बुद्धिरात्मना, तो दर्शन करना है बुद्धि से आत्मन द्वारा, वो क्या है? इफ यू लर्न प्रिंसिपल्स देन यू आर एबल टू डिराइव योर मेथड्स, कि आप वो शास्त्र के प्रकाश से अपनी बुद्धि से उसके अंदर निहित सिद्धांतों को, उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो समझिए, तो आप क्या कर सकेंगे, यू आर एबल टू डिराइव योर मेथड। तो शास्त्र में दिए गए सिद्धांत से आप अपनी कोई भी नई मेथड या उसका उपयोग कहीं पर कर सकेंगे। हम कई बार सुनते हैं, मैं भी सुनता था, हमारे आचार्य गुरुवर सीपी शुक्ल साहब अपने लेक्चर में बार बार कहा करते थे, मैं व्रज प्रवर्तिनी वटी कामला में यूज करता हूँ। हाँ, मुझे जरूर कभी उसमें नया नहीं लगता था, लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि रजत प्रवर्तिनी वटी कामला में क्यों, कैसे यूज कर सकते हैं। तो बात यह है कि उसमें एलुआ एडियो यानी कुमारी घन है, और कुमारी वो यकृत के ऊपर काम करने वाला अच्छा द्रव्य है, तो हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें से वो तुरंत यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अ प्रिंसिपल, इफ यू लर्न प्रिंसिपल देन यू आर एबल टू डिराइव योर मेथड। तो आज हम यही प्रयत्न करेंगे अर्श के बारे में समझते समझते, कि हम उसके प्रिंसिपल समझे, न कि सिर्फ लर्निंग करें शास्त्र में क्या दिया हुआ है उसको रटे रटाए, ताकि हम आगे कुछ न कुछ अपनी ओर से कर्ज में कर सके। तो इसका प्रक्रिया क्या होती है? तो पहले इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज हम शास्त्र में से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दैट इज ए इंफॉर्मेशन, दैट इज ए प्रत्यक्ष एटसेट्रा प्रमाण, आप्त प्रमाण। फिर उसके बारे में चर्चा होती है, वो पेशेंट में हम देखते हैं, तब जाकर इट कन्वर्ट्स इनटू नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान में, माहिती ज्ञान में परिवर्तित होती है। जब ज्ञान हमारे में उत्पन्न होता है तो जैसे सुश्रुत ने बताया है, उसके बाद आप उसका उपयोग करते हैं तो स्किल डेवलप होती है उसको उपयोग करने की, उससे नई चीज का उपयोग करने की। और जब आप में स्किल आती है और साथ में एटीट्यूड आपका सही बैठ जाता है, तो सक्सेस के शिखर पर आप जरूर पहुंच सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम कैसे पढ़ें और उसका अर्थ करके उसका उपयोग करें। आज के विषय पर जाते शुरू में कई चीज ऐसी होती है कि ताकि हम विषय को अच्छी तरह से समझ सकें, तो उसका एक पहला टॉपिक यानी मुद्दा है गुद शारीर। हम आयुर्वेद का गुद शारीर थोड़ा ऊपर से पहले समझेंगे, ताकि अर्श यानी गुदा में होने वाला व्याधि है, गुद मांसांकुर है, तो कहाँ पर होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम समझ सकें। आयुर्वेद के गुद शारीर में जो गुद के बारे में लिखा है कि वो 5.5 अंगुल लंबा, अर्ध पंचांगुल, स्थूलांत्र प्रतिबद्ध, एक मर्म स्थान आंत्र से बना हुआ है। यहां स्थूलांत्र से कोलन सिर्फ नहीं समझना है, यहां स्थूलांत्र से सिर्फ सिग्मोइड कोलन है, क्योंकि सिग्मोइड कोलन ही सबसे ज्यादा स्थूल होता है। आयुर्वेद में पक्वाशय भी है, मुंडूक भी है, ऐसे अलग अलग पार्ट भी दिए हुए हैं, इसीलिए स्थूलांत्र से मैं खुद उसको सिर्फ सिग्मोइड कोलन तक अपने को सीमित रखता हूं। उससे जुड़ा हुआ 4.5 अंगुल लंबा यानी सिग्मोइड कोलन से रेक्टम तक, उससे लिया हुआ 4.5 अंगुल लंबा जितना पार्ट है उसको आयुर्वेद में गुद बताया गया है। 4.5 अंगुल मतलब कितना, वो बहुत समझने की जरूरत है, हम एग्जाम के लिए पढ़ लेते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो 4.5 अंगुल करीब करीब मेरे 4.5 अंगुल 8 सेंटीमीटर के आस 8 सेंटीमीटर तक पहुंच, अर्थात ये 8 सेंटीमीटर में होने वाले व्याधि में से एक व्याधि अर्श है, वो गुद। हम जब आधुनिक शारीर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वहां पर क्या है, अभी उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, ये याद रखेंगे
कि आयुर्वेद का गुद 8 अंगुल है, यानी 8 सेंटीमीटर है। वो 8 सेंटीमीटर में जो भी डिजीज होते हैं उनमें से एक अर्श होगा। ये गुद के चरक की ओर से 3 भाग किए गए हैं, उत्तर गुद, अदर गुद और स्थूल गुद। पूरी स्वस्थ मूल का स्वतः का मूल स्थूल गुद है। स्थूल गुद यानी कि हम जो बाहर गुदा हमको दिखती है वो स्थूल गुद है। जब एनाटॉमी का पिक्चर्स आएंगे तब मैं थोड़ा आयुर्वेद का उसमें ज्यादा समझाऊंगा। उससे प्रोक्सिमली जो पार्ट है वो अदर गुद है और उससे प्रोक्सिमली है उत्तर गुद है। वो मल संचय और मल निष्क्रमण के लिए दोनों उत्तर गुद और अदर गुद काम लिए जाते हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है। और स्थूल गुद से मल निर्गमन होता है। स्थूल गुद के बाहर का जो पार्ट है उसको गुदोष्ठ बोलते हैं। जो गुद मुख और रोमांत के बीच का पार्ट है वो डेढ़ यव जितना यानी आधा अंगुल जितना होता है। तो इतना शरीर हम याद रखेंगे तो आयुर्वेद के गुदा के व्याधि समझने में या गुदा में कौन से व्याधि होते हैं वो समझने में हमको बहुत उपयोगिता होती है। सुश्रुत ने अर्शो यंत्र दिया है, वो भी इसी साइज के संदर्भ में ही दिया हुआ है, वो भी इतनी समझने जैसी चीज है। तो यहाँ से हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है वो है कि 8 सेंटीमीटर में जितना होता है वो व्याधि में। देखिए मैंने ये पीआर का एक चित्र रखा है, एक्चुअली ये कोलोनोस्कोपी का चित्र है। कोलोनोस्कोपी में 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक फिंगर प्रोक्टोस्कोप आपकी फिंगर जा सकती है। मतलब मेरी 8 सेंटीमीटर लंबी है तो मैं 6 सेंटीमीटर ज्यादा से ज्यादा पुश करके 8 सेंटीमीटर तक पीआर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकता। 6 से 12 यानी 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जबकि खुदा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो करीब हम फिंगर से 2 सेंटीमीटर का पार्ट नहीं पालपेट कर सकते। फिर भी वो गुदा है और वो उसमें होने वाले व्याधि भी कहीं ना कहीं गुदगत व्याधि में आएंगे। इस चित्र में आप देखेंगे तो ऊपर की ओर पोस्टीरियर वॉल के ऊपर एक चित्र बनाया हुआ है, जहां पर मेरा पॉइंटर जा रहा है वो मांस है यानी कोई अर्बुद जैसा है। कभी इस जगह पर होता है तो कहीं हम उसको पालपेट नहीं कर सकते, अर्शो यंत्र से देख भी नहीं सकते क्योंकि अर्शो यंत्र की लंबाई भी इससे छोटी होती है। फिर भी वो गुदा का व्याधि है। अर्थात आयुर्वेद में हम अर्श में देखेंगे तो सूक्ष्म अदृश्य अर्श की भी बात की हुई है, तो शायद यह अर्श या ऐसे व्याधि को अदृश्य गुदा के बताए गए होंगे। तो ये एक हम दूसरा टॉपिक पॉइंट याद रखेंगे। इसमें अभी जो मैंने बताया उसमें से मॉडर्न के बारे में हम समझने ट्राई करते हैं। आप देखेंगे पूरा कोलन का सिक्कम से लेकर उसके डायमीटर और लेंथ सब कुछ इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए जो उपयोगी है वो रेक्टम है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और एनाल कैनाल है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अर्थात हमारी ओर से आयुर्वेद की गुदा 8 सेंटीमीटर है जबकि एनाल कैनाल 4 सेंटीमीटर है। अर्थात 4 सेंटीमीटर हम रेक्टम का पार्ट को भी आयुर्वेद में गुदा ही बता रहे हैं। यानी रेक्टल एम्पुला वो गुदा है आयुर्वेद की, उससे ऊपर का रेक्टम है वो फिर स्थूलांत्र में चला जाएगा। तो इस तरह से वो हम आगे समझ सकते हैं जो ऊपर का अदर गुद है, फिर सॉरी उत्तर गुद है और वहां से आकर हमको स्थूलांत्र मिलेगा। तो ये जितना भी है यहाँ पर ये चित्र से हम इतना समझ सकते हैं कि गुदा में हम कैसे समझेंगे। अभी गुदा की एनाटॉमी में जो 2-3 चीज समझने जैसी है याद रखने की, पूरी एनाटॉमी तो मैं जरूरी नहीं है अर्श व्याधि समझने के लिए, इसीलिए मैं कहीं जाता नहीं हूँ। आयुर्वेद में अर्श का स्थान गुदो बलि लिखा है, प्रवाहिनी विसर्जनी संवरणी, वो कर्म के आधारित ऊपर है, उसका स्थान दिया है मतलब साइट दी हुई है इतने अंगुल के बाद। उसका उपयोग होता है साध्या साध्यता में अर्श में। जो प्रवाहिनी बलि में मतलब 5.5 अंगुल पर है ऊपर, वहां पर होने वाले अर्श को असाध्य बताया गया है। 5.5 अंगुल से ऊपर जो होंगे वो तो अदृश्य ही रहेंगे क्योंकि वहां पर भी गुदा तो है ही।
साढ़े चार अंगुल से ऊपर, पांच साढ़े पांच अंगुल के पास मध्यवली होती है, वो विसर्जनी होती है, वहां के कष्ट साध्य या याप्य होते हैं, और बाह्यवली यानी कि सुवर्णी, वो सुवर्णी वली के पास के जो अर्श होंगे वो साध्य होते हैं। तो ये एनाटॉमी आयुर्वेद में जो बताई गई है उसका उपयोग अर्श के संदर्भ में साध्या साध्यता में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। अभी आप ये दोनों चित्र देखेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपके दाहिनी ओर का जो चित्र है उसमें दो ब्रैकेट दिए हुए, एक छोटा ब्रैकेट है एक बड़ा ब्रैकेट है। वो मॉडर्न की ओर से छोटा ब्रैकेट है वो एनाटॉमिकल एनाल कैनाल का है, दैट इज एनाटॉमिकल एनाल कैनाल। मैं पॉइंट लेकर जा रखता हूँ, इतना है जो इतना एरिया है वो एनाटॉमिकल एनाल कैनाल है, जबकि यहाँ से वो सर्जिकल एनाल कैनाल। हमारे लिए जो मर्म स्थान है वो सर्जिकल एनाल कैनाल है, इसीलिए जितने भी ऊपर हम जाएंगे तो मर्म का अभिघात ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस है और इसीलिए वो कष्ट साध्य होते गए। वहां की विकृतियां से प्रवाहिनी विसर्जनी सवर्णी क्रमशः उसे लक्षण होंगे, तो वो उसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं जाता हूँ, अर्श में ज्यादा उस उपयोगी नहीं है, वो बगंदर में सब उपयुक्त तो होता है ज्यादा। फिर भी अर्श के शस्त्र कर्म के या क्षार कर्म के उपद्रव में लिखा है कि गुद विवरण हो जाता है, तो यही सवर्णी बलि का जब उसमें अभिघात होगा तो सवर्ण गुदा का जो कर्म है वो क्षय होगा, उसका ह्रास होगा, उसकी वजह से बाह्य बलि जब टूट जाएगी उसका नुकसान होगा, वो उसका फंक्शन इम्पेयर्ड होगा, तब जाकर सवर्ण कर्म नहीं होगा तो गुद विवरण हो जाएगा, यानी इनकॉन्टिन्यूस शुरू हो जाएगा क्योंकि हम रोक नहीं सकते। तो अर्श के संदर्भ में ये इतना एक जरूरी है। दूसरी एनाटॉमी यहाँ बहुत उपयोगी चीज है वो है, आप ये बाई ओर के चित्र में देखेंगे तो दो कलर दिखेंगे, तो रेक्टम यहां तक होता, एनाल कैनाल यहां तक होती है, जो आपको फोल्ड्स दिखते हैं वो फोल्ड्स के अपर पार्ट है, वहां तक एनाल कैनाल होती है, फोल्ड्स के ऊपर का पार्ट है वो रेक्टम है, यहां तक एनाल कैनाल है, बाहर वहां स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर, प्यूबोरेक्टाली सब कुछ वहीं होते हैं। हमको अर्श के संदर्भ में जो उपयोगी चीज है वो है दिस, ये दो कलर के बीच का जो जंक्शन है उसको इंग्लिश में डेंटेट लाइन बोलते हैं, कई लोग उसको पेक्टिनेट लाइन भी बोलते हैं। डेंटेट लाइन का होता है दंतुरित, तो दंतुरित कहने का मतलब भी है कि वहां पर दो एपिथेलियम का जंक्शन है, वो लैंडमार्क है। उसकी उपयोगिता अर्श में क्या है वो हम देखते हैं। ऊपर का पार्ट है वो कोलमनर एपिथेलियम है, नीचे का स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो डेंटेट लाइन से ऊपर के कोलमनर एपिथेलियम में मैलिग्नेंसी होगी तो वो अलग होगी, वहां ग्लैंड्स भी है तो एडिनो कार्सिनोमा ऐसे व्याधि होंगे। एपिथेलियम से नीचे के पार्ट है वो स्क्वेमस एपिथेलियम है, वहां मैलिग्नेंसी होंगी तो स्क्वेमस कार्सिनोमा होगा। रेक्टल म्यूकोजा के जितने व्याधि होंगे वो डेंटेट लाइन से ऊपर होंगे, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस, एडिनोमा, पोलीप जो भी होंगे वो डेंटेट लाइन से ऊपर हमको कहीं भी मिल सकते हैं, वो एनाटॉमिकल एनाल कैनाल के ऊपर है, नहीं कि सर्जिकल एनाल कैनाल के ऊपर, मतलब वो सभी व्याधि गुदा में ही होते हैं। वो दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब ये डेंटेट लाइन है, इसके ऊपर यहां से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्रोन्स डिजीज हो सकता है, मेलिग्नेंसी कोलमनर एपिथेलियम की मिल सकती है, कोई भी डिजीज डेंटेट लाइन से ऊपर होगी। डेंटेट लाइन से ऊपर का जितना एरिया है कोलमनर एपिथेलियम वो प्राइम सेंसरी नहीं है, उसमें सेंसरी नर्व्स एंडिंग नहीं होते, मतलब वहां पर हमको इन्फ्लेमेटरी जब होगा तभी पेन होगा, वरना तब तक कुछ पेन नहीं। यू कैन प्रिक देयर, आप उसमें निडल लगा सकते हैं, पेन नहीं होगा। यू कैन कट इट, उसमें तुरंत पेन नहीं होगा। यू कैन टच इट, देयर बी नो पेन। लेकिन डेंटेट लाइन से नीचे
नीचे का जो गुदा का पार्ट है, जो एनाटॉमिकल एनल कैनाल है, इट इज ए सोमेटिक एरिया, उसमें सेंसरी नर्व्स एंड होते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, ताकि हमको वहां पर सैंपलिंग का इफेक्ट होती है कि कैसा स्टूल आ रहा है, वेदर इट इज ए सॉफ्ट लिक्विड, उसके ऊपर हम सवर्ण क्रिया पर कंट्रोल रखते हैं, वो वहां से मालूम होना शुरू हो जाता है। इट इज ए पेन सेंसिटिव एरिया, वहां पर कुछ भी व्याधि होंगे, चाहे छोटा सा भी अल्सर हो, छोटा सा भी प्रेशर हो, जरा सा भी इन्फ्लेमेशन हो, कुछ भी हो, देन इट विल बी ए पेनफुल। सो उसका मतलब बिलो द डेंटेड लाइन इट इज ए हाईली पेनफुल एरिया, देयर विल बी मोर एंड मोर पेन। सो एनी लीजन बिलो द डेंटेड लाइन इज पेनफुल, इट मे बी अ थ्रोम्बोस्पाइल, इट मे बी अ फिशर, इट मे बी अ मैलिग्नेंसी, इट मे बी एनी इन्फ्लेमेशन, एनीथिंग, इट विल बी हाईली पेनफुल। सो ये दो चीज, डेंटेड लाइन से ऊपर के लीजन पेनलेस, डेंटेड लाइन के नीचे के लीजन पेनफुल, वो भी हमको अर्थ समझने में बहुत मदद रूप होंगे। जहां पर वेदना है तो क्यों हुई, कहां पर है, उसके ऊपर से हम समझ सकते हैं। डेंटेड लाइन के ऊपर की वेदना कब हो सकती है, जब उसमें टेम्परेचर चेंजेस आता है, थर्मल चेंजेस, तब उसमें सेंसेशन आता है, जब उसमें इंड्यूरेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग होता है, तब इन्फ्लेमेशन का पेन आता है, नॉट ए स्वेलिंग का पेन नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन का पेन है, केमिकल पेन है। जब मैलिग्नेंसी होती है और मैलिग्नेंसी मसल्स में इन्वेजन करती है, तब पेन होता है। तब तक डेंटेड लाइन के ऊपर के सभी लिजन पेनलेस होंगे। अर्थात हम कई बार बोलते हैं कि पेशेंट को इतना ब्लीडिंग होता है, पेन नहीं होता है, क्यों नहीं होता पेन? तो उसका रीजन वही है कि वहां पर पेन है, पेनलेस एरिया है, इसीलिए वहां पर पेन नहीं हो रहा है। तो ये एनाटॉमी की जितनी उपयोगिता मॉडर्न की अर्थ समझने के लिए थी, उतनी हमने यहां पर देखी। अब हम पहले थोड़ा अर्श के बारे में, आयुर्वेद का अर्श व्याधि कैसा है, उसके बारे में हम समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। अर्श शब्द वो मांसांकुर यानी मांस प्रदोषज व्याधि है, वो मांस प्ररोह भी है, उसका नाम अपान किलक भी है, गुद मांसांकुर भी है, दूसरे भी नाम दिए हुए हैं, गुद जो है, ऐसा अलग अलग नाम है, लेकिन ये संप्राप्ति सूचक ये तीन नाम है, मांसांकुर, मांस प्ररोह और अपान कीलका। किल यानी खील, कीली जैसा, कुछ हम दीवार में जो चौंकते हैं तो ऐसा भी हो तो वो भी अर्श है, मांसांकुर है तो भी वो अर्श है, प्ररोह है तो भी वो अर्श है, मांस संगात है तो भी वो अर्श है। वो कहां पर होते हैं? अपानादौ, मांसांकुरान अपानादौ कुर्वन्ति, अपान के पार्ट में यानी गुदा के जितनी हमने शरीर देखी, वहां पर होने वाले ऐसे मांस प्रदोषज जितने भी व्याधि है सब अर्श है। और आगे वो क्या क्या करते हैं उसका, वो अरिवत विशसंति, वो अरि यानी दुश्मन की तरह हमको परेशान करते हैं। मैं शब्द यहाँ पीड़ा नहीं बोलता हूं, परेशानी में पीड़ा भी है, परेशानी में खून भी निकलना है, परेशानी में लेटरिन करते रुक जाना वो भी है। तो अरिवत, जब हमारे सामने कोई हमारा दुश्मन खड़ा होता है तो हमको नींद नहीं आती, हमारे सामने कभी दुश्मन होता है तो हमको खाना अच्छा नहीं लगता, हमारे सामने जब दुश्मन होता है तो हमको कहीं भाग जाने की इच्छा होती है, वैसे ही इसमें रुग्ण को होगा कि आज मुझे लेटरिन नहीं जाना है, मैं खाऊंगा तो कल लेटरिन जाना पड़ेगा, अरे मैं जाऊंगा और दर्द होगा तो इसमें से इतना खून निकल गया, जैसे अरि ने दुश्मन ने हमको मारा है तो नुकसान होगा। ये सब जितने भी भाववाचक है वो अरिवत शब्द में आते हैं। दूसरा आगे लिखा है गुद मार्ग निरोधतः, यानी अर्श गुद का मार्ग अवरोध कर सकता है, ऐसा व्याधि है। जब आगे हम पढ़ेंगे, जिन लोगों ने पढ़ा उनको मालूम है कि अर्श का एक उपद्रव बद्ध गुदोदर है,
मतलब गुदो मार्ग निरोध करते करते बद्ध गुदोदर उत्पन्न होता है। तो ये याद रखने जैसी चीज है, ये मैं सिर्फ अर्श बोल रहा हूँ, मैं कहीं पर हेमरॉइड नहीं बोलता हूँ, मैं कहीं पर पाइल्स नहीं बोलता हूँ। तो जब भी मैं अर्श बोलता हूँ तो आपके माइंड में कभी भी पाइल्स हेमरॉइड अभी नहीं आना चाहिए, सिर्फ अर्श ही होना चाहिए। यानी कि ऐसी सब विकृतियां उत्पन्न करने वाले जितने भी मांस प्ररोह है वो सब अर्श है। और आगे जाकर मैं एक बताता हूँ, गुदम आगम्य प्रदुष्य गुदवलिर मांस प्ररोहान जनयति। गुदवलि का प्रदूषण होता है, जितना मैं समझा हूं तो गुदवलि का प्रदूषण होने वाले सिर्फ दो व्याधि है, एक मॉडर्न में एक प्रोलेप्स रेक्टम और दूसरा मेलिग्नेंसी। उस समय गुदवलि का जो प्रवाहन विसर्जन संसर्जन संवरण कर्म करने वाले जितने भी मसल्स से जब उसका इन्वेजन होता है तब उसका फंक्शन ह्रास होता है। तो ये सब फंक्शन का ह्रास होना, अरिवत पीड़ा, अरिवत परेशानी करना, मांस किल उत्पन्न होना, गुद मार्ग का अवरोध करना, गुदा में ये उत्पन्न होना, ऐसे जो जितने भी व्याधि हैं मॉडर्न के वो सब आयुर्वेद में अर्श है। यहाँ पर एक मैं बात और समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा, आयुर्वेद में अर्बुद भी एक व्याधि है। अर्बुद को हम समझने के लिए प्रयत्न करें तो अर्बुद बहिर रोग मार्ग का व्याधि है, फिर भी अर्बुद के असाध्य लक्षण में लिखा है कि स्रोतोगत अर्बुद असाध्य। तो स्रोतोगत अर्बुद कौन से होंगे तो हम उसके रेफरेंस ले ले, तो मुख में तालवर्बुद है, गलार्बुद है, कहीं पर ओष्ठार्बुद भी है, वर्तमार्बुद है, कर्णार्बुद है, नाशार्बुद है। आप देखेंगे तो ऊर्ध्व चतुर्गत जितने बहिर्मुख स्रोतस है वहां पर अर्बुद दिए हैं, लेकिन जो बहिर्मुख स्रोतस अधोगत है चाहे वो गुदा हो, चाहे वो योनि हो, चाहे वो मूत्र मार्ग हो, कहीं पर हमको अर्बुद का ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता। उसके लिए जो मैंने समझने के लिए प्रयत्न किया है कि उस समय पर ऊर्ध्व चतुर्गत रोग देखने के लिए यंत्र थे, कर्णार्सो यंत्र, नासार्सो यंत्र, कंठ शल्यावलोकिनी नाड़ी आदि। गुदा के लिए प्रोक्टोस्कोप अर्शो यंत्र जरूर है, लेकिन मूत्र मार्ग के लिए कुछ नहीं। वाग्भट में आगे जाके योनि वर्णक्षण यंत्र भी बताया, अर्थात मूत्र मार्ग को अंदर से हम नहीं देख सकते थे उस समय, इसलिए वहां के अंदर के अर्बुद के बारे में शायद कुछ उन लोगों ने लिखा नहीं होगा। लेकिन जहां पर वो देखने के लिए यंत्र दिए गए नाड़ी यंत्र, चाहे वो योनि वर्णक्षण यंत्र हो या अर्शो यंत्र हो, तो उसका मतलब वहां पर उस समय वो देखा जाता था, फिर भी वहां पर उन लोगों ने अर्बुद नहीं लिखा। क्यों? वो बहिर रोग मार्ग का व्याधि है, अर्थात जितने भी आभ्यंतर रोग मार्ग के, याद है गुदा के अंदर के, योनि के अंदर के जितने व्याधि हैं वहां पर उनको अर्बुद संज्ञा नहीं दी गई। योनि वर्णक्षण यंत्र से जो हम देख सकते हैं तो हम व्रण देख सकते हैं, जो सर्विक्स के ऊपर अल्सर होता है, मेलिग्नेंसी होता है, तब मेलिग्नेंट अल्सर वो देख सकते होंगे, इसीलिए शास्त्रकारों ने वहां पर वो यंत्र का नाम योनि वर्णक्षण यंत्र दे दिया। वैसे ही गुदा में अर्शो यंत्र दिया हुआ है, तो अर्थात यहां पर कोई चीज दूसरी नहीं लिखी, तो जितने भी मेलिग्नेंट ग्रोथ होंगे, जो मांस संघात होंगे, वो मांसांकु जैसे दिखने होने वाले से उसको आयुर्वेद में अर्श में ही समाविष्ट किए होंगे। इतना अर्श का ये रेफरेंस है, हम बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी अर्श कहां कहां पर हो सकते हैं उसमें शास्त्रकारों के अपने अपने विचार हैं। चरक ने लिखा है गुदवलि जहां नाम तू अर्शांसी इति तंत्रे संज्ञा। और जब वो शिश्नम अपत्य पथ वहां पर अधिमांस संज्ञा, देखिए यहां पर शिश्न में जब बाहर होते हैं तो वो भी अधिमांस है,
अपत्य पद योनि में होंगे तो अधिमांस कहलाएगा। हाँ, सुश्रुत ने उसको अर्श बोल दिया है, लेकिन चरक ने उसको अधिमांस बोल दिया अलग। इसलिए चरक ने आगे के रोगों में कहीं पर नासार से ऐसी बात नहीं की, लेकिन सुश्रुत ने की, क्योंकि वो अधिमांस को सुश्रुत ने अर्श ही बताया, यानी नासार्श है, कर्णार्श है, वर्तमार्श है। आयुर्वेद के अनुसार शिश्न में भी होता है अर्श, शिश्नार्श होंगे, नाभि में भी होता है नाभि अर्श होंगे, कंठ में भी लिखा है सुश्रुत ने, तो कंठ में यानी स्वरपेटी के पास, कंठ बोलते हैं लैरिंग्स की ओर, तो वो वहां तक के अर्श की बात की है, वो सब अधिमांस है। तो जब हम अर्श बोलते हैं हमारे माइंड में कहीं पर भी सिर्फ हेमरॉइड नहीं आना चाहिए, सुश्रुत का अर्श बोलते हैं, जब चरक का अर्श बोलते हैं तब सिर्फ गुदा का अर्श समझते हैं, तो वो सब अधिमांस है। तो वहां के अर्बुद को छोड़कर कंठ में दिखने वाले व्याधि को भी उन लोगों ने वहां पर कंठ के अर्श बताया होगा, तो वो सब व्याधि आयुर्वेद में अर्श के नाम से वर्णित है। अभी हम अर्श में ही आगे समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो अर्श का निदान दिया है और संप्राप्ति, इसको यहां पर मैंने, आप देखेंगे तो तीन भाग में मैंने बांटे हैं। एक निदान है मांस प्ररोह जनयंती, मतलब मांस प्ररोह उत्पन्न करने वाले। फिर लिखा है कंदाह परिवृद्धि आसादयंती, जब वो कंद परिवृद्धि होते हैं उसके बाद में सुश्रुत ने उसको अर्श संज्ञा दी, तब तक उसको वो मांस प्ररोह है। नीचे लिखा है विशेष तो मंदाग्नि है, तो निदान देखने से पहले हम ऐसा समझे तो कि मंदाग्नि जिसको है वो व्यक्ति को ये निदान सेवन से अर्श उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिसको मंदाग्नि नहीं है उसको ये निदान सेवन होने के बावजूद भी अर्श उत्पन्न नहीं होंगे। हम देखते हैं सर ये बहुत तीखा खाते इसको नहीं होता, ये बहुत मैदे की चीज खाते इसको कुछ नहीं हुआ, सर ये सब कुछ कभी भी खाता है कभी भी सोता है उसको कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं होता? ये विशेष तो मंदाग्नि है, यदि मंदाग्नि आपको नहीं हुआ तो अर्श नहीं होगा। प्रचलन में क्या है, हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन से अर्श होते हैं, निबंध से, जबकि हमारे शास्त्रकारों ने बताया है चिकित्सा में भी वही बात रखी है, मंदाग्नि यानी अग्नि की चिकित्सा करेंगे तो अर्श की चिकित्सा होगी, अग्नि सही होगा तो अर्श नहीं होगा। दूसरा हम गलती करते हैं, जो लोग भी शस्त्रकर्म करते हैं वो बाद में शस्त्रकर्म के बाद लेक्सेटिव देते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, वो उसको संनिरुद्ध गुद हो जाता है। सच में करने की जरूरत है, अग्नि की चिकित्सा करो, अग्नि उसका जितना अच्छा हो जाएगा तो उनको अर्श की संप्राप्ति ही नहीं बनेगी। तो ये निदान को हमको ऐसे समझने हैं। इसमें से एक निदान है मांस प्ररोहण, मतलब बेसिक पैथोलॉजी करने वाले, गुदवली में प्रदूषण करके मांस प्ररोह करने वाले, वो निदान भी थोड़े समझने जैसे हैं। वो क्यों है, तो उसमें से पूरा एक ग्रुप है प्रवाहन करने वाला, जैसे वेग का उदीरण, वेग विदारण करने के बाद जबरदस्ती वेग को लाना। दूसरा है यान संक्षोभ, यान संक्षोभ और पृष्ठयान दोनों भी है, पृष्ठयान यानी उस टाइम पर घोड़े गधे भैंस बैल के ऊपर बैठकर जो जाने वाले थे वो पृष्ठयान है, आज के संदर्भ में हम समझे तो साइकिल मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर कैमल के ऊपर जो राइड करते हैं वो सब पृष्ठयान है। उनके बचने के लिए उसके ऊपर हम रखना शुरू कर दिया कि हाथी के ऊपर ऐसा रखेंगे, घोड़े के ऊपर ऐसा रखेंगे, सेडल रखेंगे, ताकि हमको ये व्याधियां कम हो, लेकिन पृष्ठयान से ये ज्यादा होते हैं। यान संक्षोभ भी है, आजकल कई लगभग ज्यादातर रुग्ण हमको पूछते हैं कि सर मेरे तो बाइक है उसके जंपर्स बहुत अच्छे हैं तो उसके ऊपर हम बैठकर जाएं तो चलेगा, मैं उसके ऊपर एक और गद्दा रख दूंगा। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कठिनासन से होता है, जब यहां पर है यान संक्षोभ,
जितने जंपर अच्छे होंगे उतना संक्षोभ कम होगा, जितने टू व्हीलर से संक्षोभ ज्यादा होगा, फोर व्हीलर से संक्षोभ और कम होगा, फ्लाइट में बैठेंगे बहुत कम होगा। तो यान संक्षोभ वो अर्श का निदान है, अति प्रवाहना तो मैंने बोला प्रवाहन वाला, वो भी हम आगे देखेंगे, उससे भी होता है। इसमें एक लिखा है विषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो, विषम चेष्टा से। विषम चेष्टा यानी क्या? विषम चेष्टा यानी जो चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो दिनचर्या है उसमें एक लिखा हुआ है कि जितने भी स्रोत से उसको अंगुल से खुरेदने नहीं चाहिए, अंगुली डालनी नहीं चाहिए। मतलब इफ एनीवन इज पासिंग फिंगर इन द एनल कैनाल मांस प्ररोहण जनयंती, जिसको आदत है तो फिंगर डालने से जो भी व्याधि एनल कैनाल में होते हैं वो अर्श बनेंगे। विषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो यानी सोडोमी यानी एनल कोइटस, वो प्राकृत कर्म नहीं है तो वो विषम चेष्टा है, तो उसकी वजह से जो हो गए तो वो निदान बनेंगे मांस प्ररोहण। तो वार्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होगा, तो विषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो हुआ। और विषम चेष्टा कई लोग वहां पर भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आधे ऐसे टेढ़े मेढ़े डाल देते हैं, वो भी विषमाभ्यश्च चेष्टाभ्यो है। तो ये सब चीज विषम चेष्टा है। इतनी कोई भी चेष्टा से भी मांस प्ररोह होंगे और वो मांस प्ररोह आगे जाकर परिवृद्धि होकर अर्श बनेंगे। फिर आगे लिखा है कर्षनाथ, यानी जब व्यक्ति क्रूश होता है, तो आयुर्वेद में क्रूश व्यक्ति को होने वाले कई व्याधि लिखे हैं, गुल्म है, ऐसे अलग अलग है, उसमें एक अर्श भी है। यहां पर भी निदान में अर्श लिखा है। यदि ये व्यक्ति ज्यादा कुछ विरुद्धासन कुछ नहीं करता है, थोड़ा भी दोष प्रकोपण होता है, तो भी कुरुष व्यक्ति को अर्श जल्दी होंगे। क्यों? कि कुरुष व्यक्ति के मांस कुरुष होने की वजह से प्रवाहन विसर्जन और संवरण कर्म सही तरह से नहीं होगा। ये मांस प्रदोष व्याधि है मांस, तो वो प्रवाहन सब कुछ सही न होने की वजह से, जैसे गुदभ्रंश के निदान में लिखा है कि अतिसार से कुरुष होने वाले, वही बात यहाँ पर बनेगी और उसको मांस प्ररोह बनेंगे। मैं जितने भी श्रोता है उसमें से सबको बताऊं कि जो भी आप घर पर हैं, आपके वीडियो क्लोज कर दीजिए, आपका वीडियो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका डॉक्टर संजय भावसार प्रैक्टिकली ही क्लोज योर वीडियो, इट इज डिस्टर्बिंग मी। जितने भी सुनने वाले हैं सबको मेरी विनंती है कि सर आप वीडियो अपने बंद रखिए। तो ये निदान हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए कितनी मजा आती है कि हम उत्कटुकासन, उत्कटुकासन यानी स्क्वेटिंग पोजिशन। तो कोई पूछते हैं कि सर हमारी स्क्वेटिंग पोजिशन स्टूल पास करने के लिए, मल प्रवाह मल त्याग करने के लिए सबसे अच्छी है, तो उत्कटुकासन क्यों लिया? तो वो सिर्फ कर्म करने के लिए उत्कटुकासन सही है। जो लोग उत्कटुकासन स्क्वेटिंग पोजिशन या मॉडर्न कॉमोड में भी बैठ जाते हैं और फिर रीडिंग करने बैठ जाते हैं, आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं, तब जाकर वो उत्कटुकासन है। और वो बार बार लंबे समय होने से, या उत्कटुकासन में जिसको ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे कोई मेसनरी वर्क करने वाले हैं, या गुजराती में कड़िया कहिए थे, कोई खेत में काम करने वाले हैं जिसको लंबे समय तक अपने पाक को काटना होता है, सब में ज्यादा उत्कटुकासन होता है, तब जाकर ये हो सकता है। बाकी के जो निदान ऊपर दिए, अनात्महता, मिथोक्ति, प्रकोपण, विरुद्धासन, वो दोष प्रकोपक है। मतलब दोष प्रकोप के साथ ख वैगुण्य करने वाले जो मैंने अभी बताए, उतने निदान सेवन से मांस प्ररोहण जनयति। लास्ट में एक बाकी जो रहा वो सिर्फ स्त्रियों के लिए है, वो योषिताम, आम गर्भ प्रपतनात् गर्भ वृद्धि प्रपीडनात्। यानी दो है, एक लेबर है, डिफिकल्ट लेबर, आम गर्भ प्रपतनात् मतलब इट इज नॉट ए नॉर्मल लेबर, इट इज ए डिफिकल्ट लेबर, ऐसा ले सकते हैं। और दूसरा
गर्भ वृद्धि प्रपीडनार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका पीड़न से कई पैथोलॉजी होती है, स्मूथ मसल ज्यादा रिलैक्स होते हैं स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रेग्नेंट लेडी में, वहां पर एओर्टा और इन्फीरियर जितनी भी वेसल्स आती हैं उसके ऊपर प्रेशर होते हैं वेन के ऊपर, तो ड्रेनेज पुअर हो जाता है। ये सब चीजों की वजह से योशिताम खास करके स्त्रियों में भी ये अर्से ज्यादातर होते हैं। देखिए यो स्त्रियों में होने वाले जितनी भी गुदा में होने वाली व्याधि यहाँ अर्श के निदान में ली हुई है। इतने निदान सेवन से मांस प्ररोह बनेंगे लेकिन वो लक्षण करेंगे तुरंत वो जरूरी नहीं। तो उसमें लक्षण कब होते हैं? जब ये निदान का सेवन होता है और कंदाहा परिवृद्धि आसादयंती तृण काष्ठ उपल लोष्ठ वस्त्रादि विही शीतोदक संस्पर्शनात्वा। देखिए उसका संस्पर्श कैसे होगा तृण का, तो उसका मतलब उस समय पर जब स्टूल पास करने लोग जाते होंगे हरेक के पास शायद पानी नहीं होगा, शुद्ध पानी नहीं होगा, तो वो लोग वहीं का पानी लेंगे, तो कहीं पर बहुत ठंडा रात का पानी हो सकता है, हिमालय में बहुत झरने का पानी तो बहुत ठंडा होता है, उसका संस्पर्शन से कई लोग घास से साफ करेंगे, कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर, कोई उपल का टुकड़ा यानी छाना लेने, कुछ ऐसी चीज कोई वस्त्र से, तो उससे परिवृद्धि आसादयंती। मैं समझता हूँ आजकल टिश्यू पेपर का जो जमाना है वो भी कंदाहा परिवृद्धि आसादयंती के लिए एक जिम्मेवार कारण है। जितने भी कॉमोड में जेट है वो ठंडा पानी है शीतकाल में और जोश से आएगा तो शीतोदक स्पंसर से भी स्पाजम होगा, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो इतने अपने शास्त्रकारों ने जो भी निदान दिए हुए हैं, अब जब आगे कोई पढ़ेंगे या जो पढ़े हुए हैं वो बोर्डन के समझेंगे तो लगेगा हर हमारे शास्त्रकार ने तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं इतने निदान। ये सिर्फ मैंने थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी समझाई है, एक एक रोग के बारे में हम समझेंगे कि भाई किसी से वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वार्ड्स होंगे, किसी से वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं से डर्मेटाइटिस वहाँ हो सकता है, कहीं से ट्रॉमा होकर वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार ज्यादा ट्रॉमा होकर वहाँ खून जम सकता है, कई बार प्रवाहन से खून जम सकता है, सूजन आ सकती है, वो पूरी की पूरी ये सब निदान से पैथोलॉजी होती है। लेकिन याद रखने जैसे चीज, मंदाग्नि होगा तो अर्श होगा, मंदाग्नि के साथ निदान सेवन है तो मांस प्ररोह होंगे, और मांस प्ररोह के बाद में फिर से निदान सेवन और दूसरा खविगुण के बाद हुआ तो मांसा कंद हो जाएंगे और अर्श बनेंगे। जो मैंने अभी तक संप्राप्ति आपको समझाई वो नहीं यहाँ फ्लो चार्ट में मैंने बताई है, विशेष तो मंदाग्नि है, उदम आगम्य प्रदुष्य गुदवलिन मांस प्ररोहान जनयंती, फिर निदान सेवन कंदाहा परिवृद्धि आसादयंती तान अर्शांसी इति आचक्षते। जब वो कंद परिवृद्धि होते हैं तब हम उनको अर्श व्याधि कहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कई पेशेंट आपको मिलते होंगे या बताते होंगे कि सर ये तो फूला हुआ मेरे 10 साल से, लेकिन दर्द सूजन ब्लीडिंग अभी 2 साल से, अभी 2 दिन से हुआ है। तो वो अर्श 2 दिन से, उसके पहले वो मांस प्ररोह थे बाद में वो अर्श बने, तो वो निदान का सेवन होने पर वो सिम्टम्स हुए। हम यदि उतना व्याधि परिवर्तन मतलब व्याधि की संप्राप्ति की विकृति को हटा देते हैं तो फिर वो कंद यानी अर्श मांस प्ररोह में चले जाएंगे, तो जिसको स्किन टैग बोलते हैं या ऐसा रिडंडेंट पाइल्स बोलते हैं, म्यूकोजल पाइल्स बोलते हैं, ऐसी कुछ भी स्टेज में वो चले जाएंगे, तब वो मांस प्ररोह हो जाएंगे, तब हम उनको लक्षण नहीं होंगे वहां, उनको हम अर्श न बोले तो भी चल सकता है। तो आयुर्वेद की संप्राप्ति समझते समझते हमको अर्श में इतना ज्यादा कुछ समझने को मिलता है। प्रवाहन कैसे कैसे होता है, यहाँ पर मैंने उसके 4 दिए हैं। स्ट्रेनिंग कैसे होता है तो वो मैंने अलग लिया, सॉलिड और हार्ड स्टूल को छोड़कर, डायरिया को छोड़कर, वो क्यों लिया तो पहले हम स्टूल के बारे में देख लेते हैं फिर इसके बारे में देखेंगे। जब हार्ड स्टूल होगा तो उसको निकालने के लिए प्रवाहन करते हैं, लंबे समय तक बैठते बैठते तो प्रवाहन होता है, वो समझ लिया। जब अतिसार होता है तब भी प्रवाहन ही होता है, वो कुंठन होकर प्रवाहन होता है, वो ग्रिपिंग पेन होता है, प्रवाहन करते करते निकलता है, पर बार बार जाते हैं बार बार प्रवाहन करते।
जो स्ट्रेनिंग है वो दोनों को छोड़कर भी स्ट्रेनिंग होता है. कब होता है स्ट्रेनिंग? एक होता है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसमें यूरिन को पास करते वक्त उस व्यक्ति को लंबे समय तक प्रवाहन करना पड़ता है, तो उससे भी होंगे. हम अर्श के जब लक्षण देखेंगे तो कई अर्श में यूरिन के सिम्टम्स भी दिए हुए हैं. किसी को स्टोन हुआ, उसको बार बार जाना पड़ता है, यूरिन नहीं निकलता. उष्णवात हुआ, यूरिन नहीं निकलता, वो स्ट्रेनिंग करता है तो भी अर्श होगा. वाताज अर्श देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सरकार अस्मिरभ्याम पीड़िताम, उसमें ये होंगे, वो पीड़ित होते हैं, तो उसके वजह से भी स्ट्रेनिंग होता है और ये लक्षण होते हैं. और जो योषिताम लिखा है, वो डिफिकल्ट लेबर जो मैंने यहाँ लिखा, जो मैंने पहले समझाया, वो सब प्रवाहन करते हैं और उसकी वजह से होता है. प्रवाहन की एक स्लाइड मिस हो गई, बीच में आएगी, तब मैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. मॉडल वालों ने इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है, प्रवाहन के ऊपर, इंक्रीज एनल स्टोन के ऊपर. यहां पर मैं ये दो चीज प्रवाहन के बारे में पहले आपको दिखा दूं कि हम अर्श जब देखेंगे तो अर्श की चिकित्सा करते वक्त शास्त्रकारों ने अर्श चिकित्सा का दो भाग में चेंज कर दिया है, बद्धवीट यानी गाढ़वीट और अबद्धवीट. इस तरह से चिकित्सा अतिशार जैसा किया है, तो यहाँ पर भी सॉलिड और डायरिया ये प्रवाहन जैसा लिखा है. तो जिसके इटियोलॉजी सिर्फ पुरुष की है तो उसमें दो भाग में ही विभाजित कर सकेंगे. योषिताम के लिए उनकी पैथोलॉजी अलग होगी, पुत्र मार के व्याधियों के लिए उनकी पैथोलॉजी, लेकिन उससे भी अर्श हो सकते हैं. तो जितने भी जब अर्श के लक्षण देखेंगे तो इसके ऊपर सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे. अर्श की चिकित्सा में भी हम आगे आएंगे, श्लोक में बता दूं, उदावर्त अर्श का उपद्रव है और उदावर्त से अर्श होते हैं. वाग्भट ने तो अर्श के चिकित्सा के अध्याय में ही उदावर्त पढ़ा दिया, और चरक और वाग्भट दोनों ने बताया है अर्शो अतिसार ग्रहणी विकार चान्योन निदान भूता. मतलब ग्रहणी और अतिसार, जहां पर लूज स्टूल फ्रीक्वेंसी, बार बार स्वेटिंग पोजिशन, प्रवाहन आता है, वो उससे भी अर्श होते हैं. तो ये अर्श की इतनी हम संप्राप्ति समझ ले, ये प्रवाहन वेग विदारण न करे, वेग उदीरण न करे, बाकी का स्ट्रेनिंग हम बंद कर दे तो ख वैगुण्य कम होगा, और ख वैगुण्य नहीं होगा, मंदाग्नि साथ में नहीं हुई, डायरिया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अर्श होने संप्राप्ति वही टूट जाएगी. अभी कुछ हम कॉमन एनोरेक्टल डिजीज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हम आयुर्वेद का अर्श हम अच्छी तरह से समझ सके. सबसे ज्यादा कॉमन मिलने वाला डिजीज है फिशरी नैनो. मैं बहुत फास्ट जाऊंगा, सब आप लोगों को, कई लोगों को मालूम होगा, जो अंडर ग्रेजुएट के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है शायद उनको मालूम ना हो, लेकिन उनके लिए मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकता. ये डिजीज एक एक अगेन एक दो लेक्चर के लिए जरूरी है. फिशर, जिसको गुजराती में वाड़ियों चीरो पड़ियों से वो कहवा मत हुए, ये भी शब्द फीसर है यानी क्रैक लाइक है. इट इज ए स्प्लिट और क्रैक लाइक इन एनोडर्म. देखिए ये डेंटेड लाइन जो मैंने एनाटॉमी चित्र बताया था, डेंटेड लाइन के नीचे होती है, इसलिए मोस्ट पेनफुल होती है. मतलब फीसर के व्याधि आमतौर पर यानी 100% नहीं, आमतौर पर एक्यूट पेन वाले आते हैं हमारे पास. वो क्यों आते हैं? वो एनोडर्म में है यानी डेंटेड लाइन से पेनफुल एरिया में है. तो फीसर फ्रॉम एनल वर्क टू टुवर्ड्स डेंटेड लाइन होगी, उसके आगे कभी नहीं होगी. यदि कोई फिशर डेंटेड लाइन से ऊपर है तो वो व्याधि फिशर नहीं है, दूसरा कुछ है, तो वो याद रखना चाहिए. फिशर दो प्रकार की होती है, एक एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर. एक्यूट फिशर करीब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने से क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाती है. जब पेन चला जाता है तो पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देता है और वो क्रॉनिक फिशर में करंट, या कई बार एक्यूट फिशर कितनी भी आप सारवार कर लो वो ठीक नहीं होती और क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाती है. एक्यूट फिशर जब होती है तो क्या उसका अनुबंध या उदरक होता है? आयुर्वेद ये दो वर्ड है, यानी उसका प्रोग्नोसिस क्या होता है? तो आइदर वो एक्यूट फिशर है वो हील हो जाती है, यूजुअली हील्स प्रॉम्प्टली विथ मेडिसिन, उसमें सर्जरी करने की शायद जरूरत होती है.
वो हील नहीं हुई तो क्या होगा, आइदर क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट होगी या वो एक्यूट फिशर कभी एब्सेस में कन्वर्ट होगी, आइदर पेरिनल और इंटरस्मिंग और फिशर फिस्टुला में कन्वर्ट होगी वो एब्सेस में से। तो ये फिशर के उपद्रव है, यानी फिशर में से गुदे विद्रधि होना, फिशर में से अर्शो भगंदर होना, फिशर फिस्टुला वो होता है। लेकिन यदि वो एक्यूट फिशर क्रॉनिक में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, उसमें से पेन कम हो जाता है, सेल्डम पेन होता है, जब उसमें एक्यूटनेस फिर से आती है तब पेन होता है, और वरना क्या हो आपको देखने को मिलेगा उसके लोअर एंड पर एक त्वचा चमड़ी बढ़ी हुई होती है जिसको इंग्लिश में सेंटिनल पाइल बोलते हैं, एक्सटर्नल पाइल या सेंटिनल पाइल बोलते हैं, सेंटिनल यानी गार्ड चौकीदार, वो चौकी करती है फिशर की, और कभी कभी उसके ऊपर मतलब प्रोक्सिमल पार्ट में टॉवर्ड्स डेंटेट लाइन एनल पैपिला अंदर एक मांसांकुर होता है, मतलब फिशर में भी बाहर में इंफीरियर पार्ट में और सुपीरियर पार्ट में दोनों जगह पर मांसांकुर बनते हैं। यदि ऐसा ही लंबे समय तक रहता है तो क्या होता है, आफ्टर सेवरल मंथ्स इंटरनल स्फिंक्टर बिकम्स स्पास्टिक, लेटर ऑन फाइब्रोटिक एंड एनल कैनाल बिकम्स टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड, वहां पर स्पास्टिक होकर फाइब्रोटिक होकर स्ट्रिक्चर डेवलप होता है, तब जाकर वो सन्निरुद्ध गुद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक गुदा का फिशर ऐसा व्याधि है जो अर्श के सिम्टम्स देता है, जिसमें मांसांकुर भी होते हैं बाद में, जिसमें सन्निरुद्ध गुद होगा या जिसमें पकने के बाद विद्रधि होकर फिशर फिस्टुला भी हो सकती है। तो मतलब एक गुदा का ऐसा व्याधि है कि जो कोई भी व्याधि में कन्वर्ट हो सकता है, अर्थात फिशर में शुरू में मांसांकुर नहीं होते, सिर्फ वेदना होती है। तो वेदना होने वाला व्याधि गुदा में होता है उसको हम अर्श में ले जा सकते हैं, बाद में जिसमें मांसांकुर बनते हैं तब वो दृश्य अर्श बनते हैं, उसके पहले वो अदृश्य अर्श है, वही अर्श जब पक जाता है तो अर्शयोः मूले, यानी जो अर्शो भगंदर की संप्राप्ति में लिखा है अर्शयोः मूले शोफम यानी व्रणशोफ उत्पादन करके वो अर्शो भगंदर बनेगा, तो अर्श में से वो भगंदर बनेगा। तो पूरा ये व्याधि इस तरह से बनता है। ये कई चित्र मैंने यहाँ पर इसके लिए देखने के लिए रखे हैं, आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एकदम मिडल वाला ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट में छोटी चमड़ी बढ़ी हुई है, इट इज वेरी क्रॉनिक फिशर, इट इज ए पेनलेस फिशर, पेशेंट को पेन नहीं है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इस फिशर में देखेंगे इन्फ्लेमेशन है, स्लाइटली इन्फेक्टेड से मैंने होल्ड किया है, बीच में फिशर है जो सुपीरियर पार्ट है, जो एक चित्र मैंने रखा है वो जरा आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ब्लूइश बीच में दिखता है। दिस फिशर इज डेवलप्ड बाय द हिमेटोमा, दिस फिशर इज डेवलप्ड बाय द हिमेटोमा, ये प्रेजेंटेशन होता है मैंने देखे हैं, उसका पिक्चर लेके मैंने रखा है। ऐसे पेशेंट में आपको पेन ज्यादा मिलेगा, बर्निंग पेन मिलेगा, लेगा वो ज्यादा एनाल वर्ज की ओर होगा, आमतौर पर इसको बार बार करने से बहुत जल्दी अच्छा हो जाते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा हो गया, लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट ए ट्रू फिशर, इट इज ए बर्स्ट थ्रोम्बोस्ट पाइल, वो फिशर के जैसा दिखता है हमको। और वहां से मेरे पास वीडियो भी है, अभी वो विषय नहीं, इसलिए जिसमें से एक्यूट ब्लीडिंग होता है वो दिखा सकता हूँ कि पाइल्स को आप देखेंगे डप टप 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 कंटिन्यूस ड्रिपिंग हो सकता है, ऐसा ब्लीडिंग होता है, तो वो भी अर्श होगा। मतलब ये दिखने वाले फिशर को हम हर एक को अर्श में ले जा सकते हैं। तो फिशर फिस्टुला के बारे में मैंने बताया, देखिए इसको सेंटिनल पाइल जैसा दिखता है, आगे भी पाइल है, ये इस तरह से खींच कर रखा है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये खींचने के बाद इसके नीचे फिस्टुला मिली, यानी इस तरह से
फिसर फिसला यानी अर्शो बगंदर होता है। तो ये अर्श का उपद्रव है, अर्शो बगंदर। तो आधुनिक दृष्टि से ये फिसर का उपद्रव है, अर्थात हम फिसर को अर्श बोले तो कोई गलत नहीं होगा। हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की वहीं पर मिलेंगी जब हम चर्चा करेंगे। ये दूसरा व्याधि है एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्टोमी में, कि डेंटेट लाइन से जो ऊपर के हैं वो इंटरनल है, नीचे के होंगे एक्सटर्नल होंगे। तो डेंटेट लाइन से नीचे जितने भी व्याधि होंगे वो सब एक्सटर्नल पाइल्स बाहर के, वहां पर ऐसे मांसांकुर बन जाते हैं। वो बनने की वजह है इसके अंदर ब्लड जमा हो जाना, वो थ्रोम्बोस्ट हो जाते हैं। कई लोग इसको पेरिनल हेमेटोमा बोलते हैं, वो सही वर्ड नहीं है, क्योंकि हेमेटोमा एक्स्ट्रा वास्कुलर होता है, थ्रोम्बोसिस इंट्रा वास्कुलर होती है। तो यहां पर थ्रोम्बोसिस एक्स्ट्रा है, इसलिए सही है एक्सटर्नल थ्रोम्बोसिस। जो है मेरा आवाज नहीं आ रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सर लास्ट के दो तीन मिनट का डिसकनेक्शन हो गया था शायद, प्लीज कंटिन्यू। माय इंटरनेट कनेक्शन ये अनस्टेबल हुआ है। नो प्रॉब्लम सर, इसीलिए नाउ वी कैन हियर यू। ओके फाइन, फिर से सबको, अजय कुमार है जो सबको, मेरा है विनंती कि आप अपना वीडियो ऑफ रखिए। आप अपना वीडियो ऑन करने से मुझे नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ सकेंगे, आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। आपके वीडियो ऑफ कीजिए सब लोग। तो मुझे वापस जाने की जरूरत है कि ये आगे चलाऊं यहाँ से? सर लास्ट दो मिनट और सर शेयरिंग ऑफ हो गया है। शेयरिंग ऑफ हो गया, फिर से करना है शेयरिंग? सर मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ सर, शेयरिंग वापस करना पड़ेगा सर, शेयरिंग। ओके ओके ओके, मैं फिर से कर। अभी आया शेयरिंग? यस सर, क्लियर। अभी मैं फिर से मेरी स्लाइड पर पहुंच जाऊं। कहां की स्लाइड याद है सर? फिशर के पिक्चर्स थे मल्टीपल। ओके हाँ, हम यहाँ पर ये फिशर के स्लाइड से देख रहे थे। जो मैं यहाँ बता रहा था कि ये फिशर में चार चित्र मैंने रखे हैं। सर स्लाइड्स ओवरव्यू।
बाईं ओर का चित्र है वो क्रोनिक। हाँ हेलो, हाँ सर, स्लाइड शो कर दे जो करंट स्लाइड। हाँ ओ ठीक है। तो ये इसमें चार चित्र थे, चार चित्र में से हमारी बाईं ओर का जो चित्र है वो फिसर का है, वो क्रोनिक फिसर का है जिसमें पेन नहीं होता, मतलब बिना पेन की है, फिर भी उसमें मांसांकुर है और व्रण भी दिखता है, फिसर भी दिखता है। सबसे बीच वाली नीचे की जो चित्र है वो इन्फ्लेम्ड फिसर है, आप उसमें एडिमा दिखता है, उसमें थोड़ा डिस्चार्ज जैसा भी दिखता है, रेडनेस भी है, वो इन्फ्लेम्ड फिसर है। वो फिसर आगे जाकर इन्फेक्टेड हो सकती है, वो क्रोनिक फिसर में एक्यूट फिसर में कन्वर्ट हुई है, मतलब एक्यूट ऑन क्रोनिक है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। बाकी के लक्षण सब फिसर के होते हैं वही है। जो राइट की चित्र है वो पिक्चर है, उसमें आप देखेंगे दो एलिस से मैंने दो मांसांकुर कैच करके रखे हैं, जो इंफीरियर है वो सेंटेनल पाइल है, बीच में फिसर है, जो एंटीरियर है, जो पोस्टीरियर है वो सेंटेनल पाइल है, एंटीरियर है वो सेंटिनल पेपिला है, पिनाल पेपिला है, मतलब फिसर में मांसांकुर ऐसे मिलते हैं। जो बीच वाली स्लाइड है जिसमें ब्लूइश दिखता है, बेज में आप देखेंगे फ्लोर में ब्लूइश दिखता है, तो ये एक्चुअली फिसर ड्यू टू द हिमेटोमा है, अंदर वो नीचे हिमेटोमा है, वो ब्लूइश दिखता है, ये पेन होता है लेकिन फिसर की तरह का पेन नहीं होता है, एक अलग तरह से बर्निंग पेन होता है, फिर भी वो दिखाई देता है फिसर ही। ये इसमें से कभी कभी सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकता है, पेशेंट बोलेगा कि कंटिन्यूस ड्रिपिंग होता है, ऐसा भी ब्लीडिंग हो सकता है फिसर में। यही फिसर जब कई बार फिसर फिस्टुला में कन्वर्ट होती है, ये देखेंगे इसमें हमको, मैंने एलिस से जो खींच कर रखा है, बीच में फिसर है, आगे एंटीरियरली एनाल पेपिला है, पोस्टीरियरली स्किन टैग है यानी सेंटिनल पाइल है, और यही पेशेंट में नीचे ओपनिंग भी मिलता है, मतलब यही फिसर जिसमें बाद में अर्श भी हुए, बाद में अर्शो बगंदर भी हुआ। तो मैंने वहां पर उस टाइम पर ज्यादा बताया था, शॉर्ट में बताऊं तो ये फिसर वो अर्श हम गिन सकते हैं इस तरह से है, ऐसा है। अभी नेक्स्ट जो डिजीज है वो एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्ड पाइल, तो प्लीज इन्फॉर्म मी इमीडिएटली सो आई कैन स्क्रीन शेयरिंग कर सकूं। जो डेंटेट लाइन है वो नीचे, एक्सटर्नल पाइल दो प्रकार के होते हैं, एक सिर्फ टैग जिसको बोलते हैं, दूसरे होते हैं थ्रोम्बोस्ट पाइल जिसमें थ्रोम्बोसिस हुआ है। आप तीन चित्र देखेंगे तो बीच में चित्र में आपको दे, तो ब्लड थ्रोम्बोसिस हुआ तो ये थ्रोम्बोस जो पाइल है वो एक्सटर्नल प्लेक्सस में, जब एक्सटर्नल प्लेक्सस में कनेक्ट होता है इसलिए उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। हिमेटोमा कब बोलते हैं? जब वेसल के बाहर ब्लड क्लॉट होता है, तो इसका सही नाम एक्सटर्नल थ्रोम्बोस पाइल है न कि पेरिनल हिमेटोमा। फिर भी इसका सिनोनिम जैसा हो गया है पेरिनल हिमेटोमा, लेकिन उसका मीनिंग यही होता है कि एक्सटर्नल प्लेक्सस के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं। ऐसा ही थ्रोम्बोसिस इंटरनल में भी हो सकता है, दोनों में साथ में भी हो सकता है। यहाँ पर के जो चित्र है, पहले दो चित्र है वो सिर्फ एक्सटर्नल थ्रोम्बोस पाइल के हैं,
तीसरा चित्र है उसमें एक्सटर्नल थ्रोम्बोस फाइल है, लेकिन इंटरनल भी थोड़े बहुत थ्रोम्बोसिस हुआ है, इस तरह का है। तो ये इसको भी हम अर्श में ही समझेंगे, ये एक्सटर्नल थ्रोम्बोस फाइल है। में कहां पर समझेंगे वो आगे हम देखेंगे, लेकिन ये भी हमारी ओर से अर्श ही। अभी मोस्ट कॉमन जब अर्श हम जो समझते हैं वो हेमरॉइड्स बोलते हैं, यानी इंटरनल फाइल्स। हेमरॉइड्स क्या है? हेमरॉइड्स आज तक हम पढ़ते थे कि वेरिकोज वेन है, मैं तो वैसा ही पढ़ा था, लेकिन अभी वो कंसेप्ट चेंज हो गया है, उसको बोलते हैं वो गलत था। तो हेमरॉइड्स आर नॉट वेरिकोज वेन, क्या है वो? कुशन की पैथोलॉजी को हेमरॉइड्स होते ही हैं। तो ये बुक्स पर लिखती है कि नॉट एवरीवन हैज सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ कर दिया, कर दिया। सर ये हेमरॉइड सर वापस से आप इंटरनेट प्रॉब्लम है इसलिए वो म्यूट हो जाता था, कर दिया। तो हेमरॉइड्स क्या है? एनल कुशन की, एनल कुशन को हम हेमरॉइड्स नहीं बोल सकते। हाँ तो हेमरॉइड्स क्या है? पहले पढ़ाया जाता था हेमरॉइड्स वेरिकोज वेन है प्लेक्सस की, लेकिन आज यह साबित हुआ है कि हेमरॉइड से जो रक्तस्राव होता है वो आर्टेरियल ब्लीडिंग है, इसलिए वो वेन का नहीं है। तो वेन नहीं है तो वेरिकोज वेन नहीं हो सकती। तो क्या एनल कुशन हर एक के शरीर में एनाटॉमी होती है, इसलिए कई बार सच में ऐसा नहीं है एनल कुशन सब में होते हैं, हेमरॉइड सब में नहीं होते। एनल कुशन क्या चीज है? तो वो वहां का सुपीरियर रेक्टल बना हुआ है, वो प्लेक्स का, और साथ में मसल्स के कई फाइबर, उसका जो काम होता है वो प्लेटस का कॉन्टिन्यूस करना होता है। एनल कुशन का मतलब अपान जो वायु निकलता है उसको कंट्रोल करना, वो कुशन का काम होता है। कि कुशन की जब पैथोलॉजी हो जाती है, वो स्लाइडिंग करके नीचे आते हैं या उसमें कंजेशन हो जाता है, ऐसा भी है, तो उसको हेमरॉइड्स बोला जाता है। तो हेमरॉइड्स इज नॉट ए वेरिकोज वेन। हेमरॉइड्स इंटरनल एक्सटर्नल और इंट्रो एक्सटर्नल, यानी मिक्स्ड वैरायटी। ये जो चित्र आप देखेंगे जो ये चित्र आप देखेंगे तो उसमें डेंटेड लाइन से ऊपर जो दिखाया गया है वो इंटरनल हेमरॉइड है, इसको गुजराती में लिखा है अंदर ना हरस। जो डेंटेड लाइन के बाहर का प्लेक्सस एंगोर्ज हुआ है वो एक्सटर्नल होता है, हेमरॉइड इंटरनल हेमरॉइड के साथ में ही
या एक्सटर्नल प्लेक्सटर्नल जिसमें हीमट थ्रोम्बोसिस नहीं होता, और तीसरा होता है थ्रोम्बोसिस रिजोल्यूशन हो जाने के बाद में सिर्फ स्किन टैग बन जाना। इस तरह से तीन तरह के बाहर के पाइल्स बनते हैं, जबकि इंट्रो एक्सटर्नल हेमरॉइड होता, कहने का मतलब होता है दोनों साथ में होना, इंटरनल और एक्सटर्नल। आगे चित्र में आएंगे कि वो क्या है। यही हेमरॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरह के होते हैं, एक क्लासिफिकेशन में प्राइमरी और एसेसरी है। सामने आप देखेंगे तो जो ड्रॉइंग तीन गोल चक्र बनाकर रखा है उसमें से जो तीन बड़े हैं वो प्राइमरी हेमरॉइड्स हैं, जो दो छोटे बताए हैं वो एसेसरी पाइल्स। कई पुरानी बुकों में इसको भी सेकेंडरी हेमरॉइड्स बताया गया है, लेकिन अच्छा वर्ड है एसेसरी पाइल्स, क्योंकि सेकेंडरी का दूसरा मीनिंग भी होता है, तो हम उसको एसेसरी हेमरॉइड ही बोले तो वो सबसे अच्छा रहेगा। सामान्य तौर पर हेमरॉइड्स प्राइमरी तीन मिलते हैं, एक पेशेंट की लेफ्ट साइड में जिसको लेफ्ट लेटरल बोलते हैं, वो करीब करीब 3 o'clock के पास होता है, कभी 4 o'clock होता है, कभी 2, 3, 4 दोनों हो सकते हैं। दूसरा होता है राइट पोस्टीरियर, वो करीब 7, 8 के पास। तीसरा होता है राइट एंटीरियर, वो 11 o'clock के पास। तो 3, 7, 11 की से अच्छा है लेफ्ट लेटरल, राइट पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर प्राइमरी हेमरॉइड लिखना, और दूसरे जो कहीं मिलते हैं तो उसको एसेसरी हेमरॉइड्स कह के बताना, वो लिखना सबसे अच्छा रहता है। अर्थात ये हेमरॉइड्स एक भी होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं। ये हेमरॉइड्स सिर्फ अंदर के होते हैं, सिर्फ बाहर के होते हैं, और अंदर बाहर के मिक्स भी होते हैं। आगे जितना देखा उसका सारांश अभी तक इतना हुआ। अभी नया क्लासिफिकेशन है हेमरॉइड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी जिसकी इटियोलॉजी अननोन है, इडियोपैथिक है, उसकी कई थियरी है लेकिन कोई प्रूव्ड नहीं है, वो सबको प्राइमरी हेमरॉइड्स बोलते हैं, जिसमें कोई दूसरी पैथोलॉजी नहीं होती। लेकिन जब कोई दूसरी विकृति, दूसरी व्याधि की वजह से जब हेमरॉइड्स डेवलप होते हैं तब उसको सेकेंडरी हेमरॉइड्स बोलते हैं। अर्थात सेकेंडरी हेमरॉइड्स में कोई दूसरा डिजीज साथ में पहले से है ही। यहां पर जो चित्र दिया है वो क्रॉस सेक्शन है हिस्टोपैथोलॉजी का, जो नीचे की ओर जो हेमरॉइड्स जैसे फूले हुए हैं वो हेमरॉइड्स हैं, वो वहां से ऊपर रेक्टम का जो पार्ट आता है यहाँ पर ग्रोथ है, दिस इज ए मेलिग्नेंसी। तो ये चित्र में इसी की वजह से रिकॉल रखना चाहिए कि कार्सिनोमा भी अर्श है, और कार्सिनोमा की वजह से नीचे होने वाले दूसरे अर्श होते हैं। इस तरह से दूसरे भी प्राइमरी डिजीज है, खास करके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें भी सबसे ज्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसकी वजह से भी हेमरॉइड होते हैं। तो साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स मिलेंगे और हेमरॉइड के सिम्टम मिलेंगे। क्या होते तो हमने पहले बताया कि डेंटेड लाइन से ऊपर जो ये चित्र है उसमें जो तीन मैंने गोल सर्कल बनाए हुए, इसमें बीच वाला सर्कल है वो सिंपल नहीं है, जिगजैग जैसा है, फ्लावर जैसा है, वो डेंटेड लाइन है। तो डेंटेड लाइन से ऊपर का जो ड्रॉइंग है वो इंटरनल हेमरॉइड का है। तो इंटरनल हेमरॉइड्स आर पेनलेस, इंटरनल हेमरॉइड्स आर ऑलवेज पेनलेस अनलेस दे आर कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है? तो अर्श की स्टेजेस होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और कॉम्प्लिकेशन यानी फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री यानी फर्स्ट सिम्टम सिर्फ ब्लीडिंग, इंटरनल हेमरॉइड का सिम्टम्स होता है सिर्फ ब्लीडिंग, नथिंग एल्स, ओनली एंड ओनली ब्लीडिंग। आमतौर पर ब्लीडिंग कैसा होता है? फोर्सफुली यानी सिरिंजिंग, ड्रिपिंग, पान, ये सब इनवर्ड में पूरा कोमोड खून के छींटों से भर जाता है, ऐसा रक्तस्राव। तो उसको स्प्लैश इन पान कहते हैं। ड्रिपिंग का मतलब आपका नल लीक होता है तो कंटिन्यूस थोड़ी थोड़ा ड्रिप होते रहते हैं, वो ड्रिपिंग है। सिरिंजिंग यानी
पिचकारी जैसा होना, वैसा ही सब सिम्टम्स जितने भी ब्लीडिंग के होते हैं वो फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड्स में होते हैं। तो फर्स्ट डिग्री का सिम्टम है ओनली पेन, नो प्रोलैप्स, नथिंग एल्स। सेकंड डिग्री में पेशेंट मे नोटिस कि लेटरिन करते वक्त कुछ बाहर आता है, समथिंग इज कमिंग आउट, दैट इज अ ब्रंस, प्रोलैप्स स्टार्टेड। लेकिन ये प्रोलैप्स स्पॉन्टेनियस रिड्यूस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जब वो वॉश करता है तब बिना प्रेस किए खुद ही बैठ जाता है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस। थर्ड डिग्री है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडक्शन नहीं होता, यानी मैन्युअली रिड्यूस करना पड़ता है, हाथ से बैठाना पड़ता है, या वो रुग्ण, वो पेशेंट लेटरिन जाने के बाद सो जाएगा, आधा घंटा सोता रहेगा, या कई लोग ऐसा करते हैं हार्ड सीट पर बैठ जाते हैं कपड़ा रखकर, तो प्रेशर की वजह से, तो वो थर्ड डिग्री है। तो फर्स्ट डिग्री में ब्लीडिंग, सेकंड डिग्री में ब्लीडिंग, लेकिन ब्लीडिंग के साथ शायद पेन हो जब ज्यादा प्रोलैप्स होता है। तो जब प्रोलैप्स बाहर आता है तब पुलिंग की वजह से पेन है, जैसे ही वो रिड्यूस हो जाता है पेन चला जाएगा। थर्ड डिग्री में वो जब तक रिड्यूस नहीं होगा तब तक डिस्कम्फर्ट और बर्निंग पेन जैसा होगा, डल एक भी होगा, जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएगा पेशेंट बोलेगा मुझे पेन चला जाता है। जब यही हेमरॉइड थर्ड डिग्री के नॉन रिड्यूसिबल हो जाते हैं, कि कई लोग उसको फोर्थ डिग्री बोलते हैं, बेसिकली इट इज अ कॉम्प्लिकेशन। फोर्थ डिग्री यानी नॉन रिड्यूसिबल। नॉन रिड्यूसिबल कंडीशन दो तरह की होती है, जिसका एनाल टोन ज्यादा है तो वो बाहर आने के बाद में रिड्यूस होते नहीं, मतलब पेशेंट ट्राई करता है तो भी रिड्यूस नहीं होता, तब जाकर उसमें स्ट्रेंगुलेशन स्टार्ट होता है। तो पहले वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पर थ्रोम्बोसिस होता है, तो वो इंटरनल थ्रोम्बोस्पाइल बनते हैं। इंटरनल थ्रोम्बोस्पाइल लंबे समय तक रहने की वजह से उसमें गैंग्रीन होता है, फिर उसमें डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग ऑफ क्लोथ होता है, थ्रोबिंग पेन होता है, पेशेंट बैठ नहीं सकता, पेशेंट उसको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि एनाल वर्ज बाहर आ गई है पूरी अंदर की तरह से। तो ये तब जाकर सिम्टम्स बहुत आयुर्वेद में उसको उसके सिम्टम्स उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग बताई है। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि जहां पर निर्गतान ऐसा करके लिखा है, निर्गतान यानी बाहर आए हुए, जो बाहर आ गए हैं, तो निर्गतान का मतलब अनिर्गतान भी होंगे, या मल प्रवृत्ति कालीन निर्गतान फिर शमन हो जाते हैं, ऐसी अवस्थाएं उस समय पर देखने को भी मिलती थी। तो ये उसके लक्षण होते हैं। तो इंटरनल हेमरॉइड्स के लक्षण में पेन नहीं होता शुरू में, बाद में पेन ऐड होता है, सिर्फ रक्तस्राव होता है, फिर रक्तस्राव कम हो जाता है, फिर उसमें पेन बढ़ता है और भ्रंश का लक्षण होते हैं, फिर भ्रंश के साथ भ्रंश की वेदना और भ्रंश के लक्षण यानी स्राव, गुदस्राव, अंदर की म्यूकस चारों ओर लगना शुरू हो जाती है, तो डिस्चार्ज की वजह से कंडू, वहां पर इचिंग शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स होंगे। तो ये सब की मैं आगे आपको ड्रॉइंग बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। हाँ, यहाँ पर जो मैं एक स्लाइड बोल रहा था मिस होता था, इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज एंड पाइल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डायरिया एंड हेमरॉइड शुड बी व्यूड विद सस्पिशन एंड एक्सक्लूड इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। तो जिसके लोगों को इंटरनल हेमरॉइड्स के साथ डायरिया सिम्टम्स है, पुनः पुनः मल प्रवृत्ति है, चाहे वो द्रव हो, अबद्ध हो, कुछ भी, तो इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज का सस्पिशन करना चाहिए और उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। हमारे यहाँ भी हम लक्षण देखेंगे तो उसमें ऐसे मल प्रवृत्ति के लक्षण आएंगे, तो वैसे डिजीज वाले को हम उस प्रकार के अर्श में ले जाएंगे। दूसरा एक रेफरेंस है, ए केस कंट्रोल स्टडी ऑन द रिस्क फैक्टर फॉर हेमरॉइड्स बाय जॉनसन एंड सोनेनबर्ग क्वेश्चन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बट सपोर्ट्स डायरिया एज ए पोटेंशियल रिस्क फैक्टर। यहाँ पर कहते हैं कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमरॉइड्स होते हैं वो सस्पिशियस है, जरूरी नहीं है। जब तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाली व्यक्ति स्ट्रेनिंग नहीं करेगी तब तक उसको हेमरॉइड्स होने के चांसेस नहीं है।
लेकिन डहरिया वाली व्यक्ति को स्ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा तो उनको अर्श होने के चांसेस ज्यादा है। The tinnitus must from diarrhea does cause straining. Straining का वजह से tinnitus. जो चार डिग्री मैंने बताई वो ये आपका पेपर का जो चित्र है वो लेट सेकंड डिग्री हेमरॉइड का है। अंडर एनेस्थेसिया पेशेंट को ये पुल करके रखा है इसलिए देख सकते हैं, वरना वो दिखाई नहीं देंगे। बाद का जो पिक्चर है उसमें एलिस से पुल करने के बाद देखेंगे तो बहुत बड़े बाहर आ गए, वो हाथ से रिड्यूस करने पड़े ऐसे हेमरॉइड से, थर्ड डिग्री जैसे हैं। इसमें इंट्रो एक्सटर्नल दोनों है, जो ब्लैक कलर की स्किन दिखती है वो एक्सटर्नल पार्ट है, जो रेडिस है वो इंटरनल है, बीच का जो है वो एनोडर्म है वो भी एक्सटर्नल ही गिना जाएगा। अभी इसमें देखेंगे तो इसमें दो चित्र हैं, बाईं ओर का चित्र है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दिखाई देंगे। जो रेडिस है वो इंटरनल है, वो थ्रोम्बोस्ट है, इसमें आपको ब्लू स्पॉट दिखेंगे, वो 11 और 7 o'clock यानी राइट पोस्टीरियर और राइट एंटीरियर हेमरॉइड्स है। उसी साथ में दोनों एक्सटर्नल भी है वो भी थ्रोम्बोस्ट है, राइट एंटीरियर एंड राइट पोस्टीरियर दोनों के बीच में ग्रूव दिखती है जिसको इंटर हेमरॉइडल ग्रूव बताते हैं। इसीलिए इसमें इंटर हेमरॉइडल ग्रूव है तो इस हेमरॉइड को हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्पाइल बोले। जिस पेशेंट में ये हेमरॉइडल ग्रूव डिसअपीयर हो जाएगी तब वो इंट्रो एक्सटर्नल हेमरॉइड बताया जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें दो कॉम्प्लेक्स पैथोलॉजी बनेगी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलग होगी। बास्क दूसरा जो चित्र है उसमें देखेंगे तो पूरा ब्लैकिश आपको जलौका सदृश दिखेगा। हमारे यहाँ जलौका का अर्श का वर्णन में लिखा है कि जलौका सदृश होते हैं, तो ये जलौका जैसा, वो थ्रोम्बोसिस से साथ में गैंग्रीन हुआ है वो बस्ट होने के लिए। पेशेंट का लेफ्ट लेटरल है, आप देखेंगे तो पेशेंट की राइट साइड में भी कितने स्किन टैग है, तो पहले वहां ऐसे थ्रोम्बोसिस हुए होंगे वैसा है। तो ये चित्र ऐसे है। अभी एक नई पैथोलॉजी हम लेते हैं, इसके बारे में हेमरॉइड के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन हमको और समझना है, और समझने के लिए हमने ये लिया है। तो दूसरी पैथोलॉजी है जो मांसांकुर वाली है वो है वार्ट्स यानी कोंडाइलोमा। कोंडाइलोमा वो इन्फेक्टिव डिजीज है, वो दो तरह के होते हैं, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा एंड कोंडाइलोमा लाटा। कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो शरीर के कई भागों में हो सकता है, जहां जहां पर इन्फेक्शन वहां पर होगा वायरस का वहीं पर, जो मोस्ट एरिया है वहां पर खास होता है। दोनों चित्र यहाँ पर दिए हैं वो कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटा के हैं। कोंडाइलोमा लाटा वो सिफिलिस का उपद्रव है, सेकेंडरी सिफिलिस में जो वार्ड्स उत्पन्न होते हैं सिफिलिस की वजह से, नहीं कि वायरस की वजह से, उसको कोंडाइलोमा लाटा बोलते हैं। वो आर्द्र होते हैं, ये शुष्क होते हैं, उसमें से डिस्चार्ज निकलता है, इसमें से डिस्चार्ज नहीं निकलता। ये आमतौर पर पेनफुल नहीं होते, इसमें सिर्फ चुभन जैसी खुजली जैसी वेदना होती है। कोंडाइलोमा लाटा में डिस्चार्ज के अलावा कुछ वेदना नहीं होती। एक चित्र मैंने रखा है विलस एडिनोमा है, मतलब एक एडिनोमा नाम की व्याधि है, एडिनोमा यानी ग्रोथ। वो एडिनोमा रेक्टम के अंदर होता है, वो बिनाइन और मेलिग्नेंट दो प्रकार के होते हैं। जब मेलिग्नेंट होता है तब उसको एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं, जब बिनाइन होते हैं तब एडिनोमा बोलते हैं। एडिनोमा का एक प्रकार है विलस एडिनोमा। तो ये चित्र भी आप देखेंगे पेशेंट को बाहर आ गया है, ये पेशेंट का ये मास भी रिड्यूसिबल है, उसको बैठा सकते हैं, लेकिन ये पेशेंट को कभी ब्लीडिंग नहीं होगा, हमारे लिए तो वो सुस्कार सी हो गया, नेवर इट विल ब्लीड। हाँ, उसमें से प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, प्रोफ्यूज यानी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए उतना डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हम याद रखेंगे आयुर्वेद के अर्श को समझने के लिए। इसके अलावा भी कई व्याधि है जो हम अर्श को समझने के लिए लेनी चाहिए, सिर्फ मैं उसका नाम बता देता हूँ, आगे उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, उसमें भी ब्लीडिंग होता है, उसमें भी डल पेन होता है, तो वो भी हम अर्श में ले सकते हैं। जुवेनाइल पोलिप, उसका चित्र मैं रखना भूल गया हूँ, मेरे पास है, जो जुवेनाइल पोलिप है आयुर्वेद का अर्श है। ऐसे कई डिजीज है जो अर्श के अंदर हम समझ सकते हैं, उनके सिम्टम्स को हम समझ लें। तो अभी तक हमने इतने व्याधि
समझने के लिए ट्राई किया, एक था फिसर, दूसरा एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्पाइल, फिर हेमरॉइड, फिर वार्ट्स, फिर विलस एडिनोमा, फिर मैंने बताया इस तरह से पोलिप, सोलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। ये सब सोलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम में लोग एनाल कैनाल में अंगुली डालने के आदि होते हैं, तो ये सब डिजीज को हम आयुर्वेद के अर्श में समझ सकते हैं। अभी सिर्फ हम अर्श समझेंगे, अभी मॉडर्न की बात छोड़, इतनी याद रखेंगे और हम आयुर्वेद का फिर अर्श समझेंगे। अर्श का जो क्लासिफिकेशन शास्त्रकारों ने दिया है, तो एक तो 6 प्रकार के दिए, सहज और जातोत्तर। जातोत्तर के 5 प्रकार है, वात पित्त कफ, रक्त और सन्निपात। लेकिन इसके लक्षण देने के बाद में जब चिकित्सा की बात आती है, तो फिर यह लक्षण वात पित्त कफ 6 प्रकार गौण हो जाते हैं। तब कौन से प्रकार आते हैं, तो कहते हैं शुष्क और श्रावी। वात श्लेष्मा अभियाम आद्राणी, जो शुष्क है वो वात श्लेष्म से, वात शुष्काणी वात श्लेष्म अभियाम आर्द्राणी तु अस्र पित्त। जो श्रावी अर्श है वो रक्त और पित्त की वजह से, यानी अर्श 2 प्रकार के हो गए, जिसमें से खून निकलता है वो श्रावी अर्श, जिसमें से खून नहीं निकलता वो शुष्क अर्श। यहां श्राव से सिर्फ रक्त श्राव है, श्राव से पिछा श्राव नहीं है। चिकित्सा के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर उन्होंने चिकित्सा बताई है। दूसरा चिकित्सा में आता है बद्धपित्त और वितभेद, जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेटेड और डायरिया प्रीडोमिनेंट, उसका ही मॉडर्न इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ में या आईबीएस के साथ में। आईबीएस 2 प्रकार का होता है, जिसमें लूज मोशंस होते हैं या जिसमें हार्ड स्टूल होता है। दूसरा हम समझ सकते हैं आयुर्वेद में लिखा है, एक ग्रहणी के साथ में अतिसार के साथ में अर्श, दूसरा उदावर्त के साथ में अर्श। जो उदावर्त के साथ में अर्श होंगे वो बद्धपित्त होंगे, जो ग्रहणी या अतिसार के साथ में होंगे वो वितभेद वाले होंगे। तो चिकित्सा की दृष्टि से इतने प्रकार इस तरह से दे दिए गए कि भी हमको ऐसे समझना है। तो वात पित्त कफ रक्त समझते समझते हमको ये समझना होगा। तो अभी हमको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेकेंडरी हेमरॉइड्स है, कौन से प्राइमरी हेमरॉइड्स है, कौन से हेमरॉइड को छोड़कर कौन से दूसरी व्याधियां हैं, सब अर्श में हम कैसे लेंगे। अभी दूसरा है साध्या साध्यता। साध्या साध्यता मैंने आगे बताया, ऐसे वली के ऊपर है और दोष के ऊपर सन्निपातज अर्श असाध्य बताया गया है, क्योंकि उसमें तीनों दोष के लक्षण मिलेंगे। यही सन्निपातज अर्श सब एडिनोमा है, इट मे बी बिनाइन, इट मे बी मेलिग्नेंट। जितने भी एडिनोमा है वो सन्निपातज अर्श के अंदर हम ले जा सकते हैं। हम इससे आगे चलते हैं। सुश्रुत ने एक प्रकार चिकित्सा के संदर्भ में दिया है, 4 प्रकार, भेषज साध्य, क्षार साध्य, अग्नि साध्य, शस्त्र साध्य। जो इंडिकेशन दिए आप देखेंगे तो वहां पर भी लक्षण के अनुसार नहीं दिया। अचिर काल जातानी अल्प दोष लिंगोपद्रवाणी अर्श साम अदृश्यानाम भेषज साध्य क्षार साध्य मृदु प्रसूत अवघाड़ानी। मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जो अर्श मृदु है, प्रसूत है, अवघाड़ है, वो क्षार साध्य है। जो कर्कश है, जो स्थिर है, पृथु है, बहुत कठिन है, वो अग्नि साध्य है। यानी थ्रोम्बोस्पाइल आप अग्नि से काटोगे इजीली हो जाएगा, यदि वो प्रसूत है उसमें आपने काटा तो बहुत ब्लीडिंग होगा, तो वो समझाने के लिए उन लोगों ने इस तरह से अलग किया। और शस्त्र साध्य इजीली ब्लीडिंग कम नहीं होगा ऐसा, तो तनु मूलानी जैसे पोलिप है इस तरह से, उच्छ्रितानी क्लेदवंती च, तो जितने पोलिपॉइड ग्रोथ है वो सब काटेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। हाँ, उन्होंने जरूर बताया कि वात श्लेष्म निमित्ताभ्याम निमित्तानी अग्निक्षाराभ्याम, यानी शुष्क अर्श है वात और श्लेष्म, वो अग्निक्षार से, और जो मृदु अर्श है जो पित्त रक्त है, निमित्तानी है तो क्षारेण। यहाँ पर एक शब्द मृदु लिखा है, यानी जो इंटरनल हेमरॉइड जब कठिन हो जाता है तब क्षार लगाना नहीं चाहिए। जब इंटरनल हेमरॉइड मृदु होता है तो मृदु प्रसूत अवगाढ़ानी तब क्षार साध्य है। तो इस प्रकार से क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट की पर्पस से अलग दिया है, इसमें दोषों की बात नहीं है, इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात है। अभी अर्श में हमको क्या याद रखना चाहिए, तो ये मैंने बताया था, ये 2 उपद्रव है,
अशिषां प्रसमे यत्नम आशु कुर्वित बुद्धिमान तानि आशु ही बुद्धम बद्वा कुर्युः बद्ध गुदोदरम। ने बीजो श्लोक से दुर्नाम नानी तु उदावर्तः परम अयम उपद्रव वाताभिभूत कोष्ठानां तैहि विना अपि सजायत। अर्थात उदावर्त दो प्रकार का है, एक वाताभिभूत कोष्ठ का, और जिसको वाताभिभूत कोष्ठ नहीं है उसको भी होता है, वो अर्श से होगा। मतलब वाताज अर्श में भी उदावर्त होगा, और वाताज अर्श नहीं है उसको छोड़कर भी अर्श की वजह से उदावर्त हो सकता है, उदावर्त बिना अर्श भी हो सकता है। तो अर्श से उदावर्त, ये दो उपद्रव होते हैं। मतलब आयुर्वेद का अर्श ऐसा व्याधि है जिसमें गुदा यदि पूरी बद्ध हो जाती है तो बद्ध गुदोदर होता है, गुदा पूरी बद्ध नहीं होती तो उदावर्त के लक्षण मिलते हैं। अभी और आगे अर्श को हम समझने के लिए जो हमने इतना समय दिया, अभी तक हमने क्या क्या समझा, सादिते अग्नो अग्नि समझा, मले अति निचिते जिसमें मल संचय होता है तो उदावर्त उसकी वजह से, सादिते अग्नो की वजह से यदि अतिसार होता है या ग्रहणी होता है तो उसकी वजह से, बद्ध गुदोदर में अर्श हो सकता है, अर्श से बद्ध गुदोदर हो सकता है। अर्श दो प्रकार के हैं, अदृश्य और दृश्य, और दृश्य के निर्गत और अनिर्गत, वो शुष्क और श्रावी है, वो सहज है जन्मोत्तर है। अभी और आगे हम देखें तो जिसमें पिच्छा बस्ती की चिकित्सा बताई है तो मतलब ऐसे डिजीज भी होंगे कि जिसमें पिच्छा बस्ती करनी पड़ी होगी, जैसे रक्तातिसार है, रक्त प्रवाहिका है ऐसा। जिसमें फलवर्ती की चिकित्सा करनी पड़े मतलब फिकल इंफेक्शन होता है जैसे उदावर्त में, ऐसे भी अर्श होंगे। दूसरा है शर्करा अश्मरी पीड़ित, उसके लक्षण में लिखा है, तो मतलब मूत्र जन्य व्याधियों के साथ में अर्श मिलेगा वो पीड़ित। और दूसरा आशंका ग्रहणी दोष पांडु गुल्मो धरेशु च, यहाँ शब्द है आशंका। आशंका का मतलब इफ यू गो थ्रू इन्वेस्टिगेशन, आप उसको एंडोस्कोपी करवा लो, कोलोनोस्कोपी करवा लो, सोनोग्राफी करवा लो, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उदर रोग नहीं है, लिहोदर नहीं है, गुलमा नहीं है, यानी कोई अंदर इंटेस्टिनल लिजन नहीं है, पांडु है उसके बारे में मैं आगे बढ़ाता हूं, और ग्रहणी दोष। तो जब ग्रहणी दोष की आशंका होगी मतलब ग्रहणी दोष नहीं है, गुल्म की आशंका होगी गुल्म नहीं है, उदर रोग की आशंका होगी उदर रोग नहीं है, और पांडु की आशंका होगी पांडु नहीं है। तो इस कैसे समझ सकते हैं इसको हम, अर्श की वजह से कोई बार बार जाता है तो बोलेगा मुझे ग्रहणी दोष हो गया, रियल में ग्रहणी दोष उसको हुआ नहीं है। अर्श की वजह से उसका डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन है तो बोलेगा कि मुझे उदर रोग हो गया, जलोदर ऐसा कुछ नहीं है, वो सचमुच में आधमान है ऐसा कुछ है। किसी को ब्रीडिंग होगा तब पांडु होगा, तो ब्लीडिंग की वजह से वो खुद पांडु के सिम्टम्स लेकर आएगा और बोलेगा कि मुझे पांडु रोग हो गया। वो आपको अर्श नहीं बताएगा कि मुझे पाइल्स है, वो बोलेगा मुझे सिर्फ पांडु। हमको जब लगे कि पांडु रोग की आशंका होगी तो आयुर्वेद का पांडु रोग स्वतंत्र व्याधि है, पांडु लक्षण भी हो सकता है, पांडु रोग भी हो सकता है। तो पांडु लक्षण अर्श में हो सकता है लेकिन पांडु रोग की आशंका वो अर्श में होती है, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर जो लास्ट में रेफरेंस लिखा है भेषज साध्या नाम अर्श साम अदृश्य नाम च, वो मैंने अदृश्य और दृश्य अर्श के बारे का रेफरेंस रखा है। अभी अर्श के पूर्व रूप क्या है वो समझने जैसा है, तो हम अदृश्य अर्श समझ सकेंगे। हा? हमारे शास्त्रकारों ने जितने भी पूर्व रूप दिए तो पूर्व रूप का मतलब है मांसांकुर बने नहीं है लेकिन पूर्व रूप है, तो अर्श के पूर्व रूप है, क्योंकि यही पूर्व रूप जब व्यक्त होते हैं तब उसको रूप बोला गया। जातेषु एतानि एव लक्षणानि प्रव्यक्त तराणि, मतलब पूर्व रूप ही कभी रूप बनते हैं। तो पेशेंट हमारे पास, हम जो आगे सिम्टम्स देखेंगे वैसे लेते लेकर आता है तो हमको उनको प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी चाहिए, हमको उसको लिथोटोमी पसंद कर देखना चाहिए, नहीं कि उसको पांडु करके छोड़ दो, उसको ग्रहणी करके छोड़ दो, उसको अतिसार करके छोड़ दो, उसको गुल्म व्याधि निदान करके छोड़ दो, वैसा किया तो पछताओगे। क्योंकि मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिनको आयुर्वेद वालों ने ग्रहणी या गुल्म
या उदावर निदान करके, किसी को बस्ती, किसी को कई कोई दवाई देकर साल भर दिया है, बाद में जब आते हैं तो दे टर्नड आउट मेलिग्नेंसी, वो इस तरह से होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पूर्व रूप में ये लक्षण मिलते हैं तभी से हमको उसकी प्रोक्टोस्कोपी लिथोरम्बी पोजिशन में एग्जामिनेशन करना शुरू कर देना चाहिए। कभी नाड़ी देखकर हम अर्श निदान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो चीज मैंने बताई, एक ये इम्पोर्टेंस और दूसरा जितने है पूर्व रूप है वो रूप ही है। तो रूप या पूर्व रूप में कितने लक्षण मल प्रवृत्ति के हैं, कितने लक्षण मल प्रवृत्ति के, तो वहां पर लिखा है शकृत भेदो अथवा ग्रह। वो जो मैंने बताया वीट भेद और वीट ग्रह वही बात है। सरुक परिकर्तश्च कृच्छात निर्गच्छति स्वनन, मतलब व्यक्ति जब स्वनन आवाज करते करते वो उसको ऐसा आवाज लगेगी, ऐसा कृच्छ होकर पुरुष निकालता है, या वेदना के साथ में मल प्रवृत्ति करता है, या परिकर्तन वत की वेदना के साथ करता है, तब वो अर्श का पूर्व रूप है, वही आगे जाकर रूप बनता है। जो लोग टीचिंग लाइन में है या कई को मालूम होगा कि आयुर्वेद में परिकर्ति का बहुत जगह पर बताई गई है, अतिसार के लक्षण में परिकर्ति का है, गृहिणी के लक्षण में परिकर्ति का है, ज्वर के लक्षण में परिकर्ति का है, गर्भिणी व्यापद में परिकर्ति का है, बस्ती के उपद्रव में परिकर्ति का है, विरेचन के उपद्रव में परिकर्ति का है। तो आप देखेंगे वो सब जब बार बार होंगे तब वो पूर्व रूप रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। उसका मतलब यही व्याधि में बाद में अर्श हो सकता है। तीसरा लक्षण है प्रभुतम मूत्रम अल्पवित, आगे सकृत भेदो ग्रह है, वो कंसिस्टेंसी के बारे में है, अभी क्वांटिटी के बारे में है। प्रभुत मूत्र मतलब ज्यादा पेशाब हो और अल्पवीड उसका पुरुष कम हो जाए, वो भी अर्श का पूर्व रूप है कि इस व्याधि को अर्श हो सकता है या अर्श का व्याधि यह रूप लेकर भी आ सकता है। मारुत प्रचुर मूढ़ प्रायो नाभेह अधेचर, मतलब लोअर एब्डोमिनल में उस व्याधि को डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमन और पेन होता है, वो बोलता है कि मेरा गैस छूटता नहीं है, ये लक्षण भी होंगे अर्श में, ये पूर्व रूप भी होगा। गुदे न स्रवता पिच्छा, गुदा में से पिच्छा का स्राव होगा। तो मैंने बताया कि गुदा में से पिच्छा स्राव होने वाले कई हमने डिजीज देख लिए, जैसे कि हेमरोइड्स की लेट स्टेज, एडिनोमा, मेलिग्नेंसी, कई चीजों में स्राव होते हैं। तो गुदे न स्रवता पिच्छा, उसमें भी आगे लिखा है पुला को दक सन्निभा, वो पुला को दक एक देखने जैसी चीज है, किसी को ब्लड स्टेंड स्टूल लिक्विड निकलने लगे वो पुलाकोदक है, यानी ऐसी चीज हमने पकाई हुई है कि जिसमें चावल है और द्विदल धान्य है, वो उसका जो उदक निकलता है, कलर्ड जो निकलता है, उसमें टिपिकल स्मेल आती है, वैसा जो निकलता है वो जैसे जब निकलता है तो इट इज ए ब्लड स्टेन्ड म्यूकोइड डिस्चार्ज, वो पुलाकोदक सन्निभाम है। कभी कभी क्या होता है, वो पुरुष कैसा करता है, विबद्ध मुक्तम, उसको कुछ नहीं है, मिट गया। कभी कभी क्या है, शुष्क आर्द्र पक्व अथवा आम, ऐसे बाद बाद में जैसे ग्रहणी के लक्षण है वैसे ही पुरुष निकालेगा। ये इन्फ्लेमेटरी बोवे डिजीज के सिम्टम है, जब इसका एक्यूट एपिसोड होंगे तब आम लक्षण होंगे, आर्द्र स्टूल होगा, मुक्त पुरुष होगा, जब वो नहीं होगा तब बद्ध होगा, तब शुष्क हो जाएगा, तब पक्व हो जाएगा, उसका अटैक नहीं होगा तब। पांडु पितम हरित रक्तम पिछिलम च उपवेशते, ये पुरुष के वर्ण है, उपवेशते मतलब पांडु वर्ण का रक्तस्राव होगा, थोड़ा पित्त वर्ण का रक्तस्राव होगा, कभी रक्त वर्ण का होगा, पिच्छा के साथ होगा, इस तरह के वर्ण हरिद्र जैसे, यानी जो बिलिरुबिन जब हाई है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, जब उसका ब्लीडिंग टाइम सब बिगड़ जाता है, लिवर के फंक्शन की वजह से क्लॉटिंग टाइम उसकी वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है नीचे अर्श में से, तब ऐसे मिक्स वर्ण मिलेंगे। और सर्व परमस्थि हृतना भी पायु वंक्षण सुलवान, यहाँ पर मैंने पायु शूल कलर किया है, पायु में शूल होगा, ये भी लक्षण सब अर्श के पूर्व रूप भी है,
वो भी आगे जाकर रूपी होते। उसका मतलब दोषानुसार जब लक्षण देखते हैं तब उसमें दोष के लक्षण दिए हैं, वो भेदावस्था है, व्यक्तावस्था नहीं है। व्यक्तावस्था यानी मनसांकुर और अर्श के रूप, जब उसमें दोष के लक्षण ऐड हो जाए तब वो हमको दोष के लक्षण मिलेंगे। रूप क्या क्या होता है, इतना मांस, उसमें मांसांकुर होते हैं, वो दृश्य होते हैं, अदृश्य होते हैं, प्रोक्टोस्कोप डालकर भी देख सकते हैं या बाहर देख सकते हैं। वेदना, वो दोषानुसार वेदना होगी तब उसका भेदावस्था होगी, वरना उदर की वेदना और गुद की वेदना, ये दो सिम्टम है। रक्तस्राव है, आगे हमने देखे वो मल प्रवृत्ति के लक्षण है, और बाकी के लक्षण है वो आगे है, जो ग्रहणी के लक्षण होंगे, जो उदावृत के लक्षण होंगे, जो रक्तस्राव के लक्षण होंगे या मूत्र के लक्षण होंगे, इस तरह के अन्य लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। क्या शु करव पौना पांच थे चालू राखव के पी कर ના સર, કન્ટિન્યુ રાખો, વાંધો નહીં, પૂરું કરો, કઈ વાંધો નથી। સાંભળનારા કોઈ રહે નહીં, ખાલી શેતરંજ રહે એવું ન થાય, હા ના 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 સર, કન્ટિન્યુ છે। સબ લોગો કો મેરી વિનંતી હૈ કે આપ અપના અભિપ્રાય ચેટ બોક્સ મેં રખ દે, કન્ટિન્યુ કરના હૈ યા જો ચેટ બોક્સ હૈ ઉસમેં લિખ દીજિએ, હમ સબકો માલૂમ હો જાયેગા કે ક્યા કરના હૈ। પાર્ટિસિપન્ટ્સ કો મેરી વિનંતી હૈ, पार्टिसिपेंट्स यस या नो लिख दीजिए। सर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेशन कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। सर चार पांच कंटिन्यू में आया, कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू क्या है, और 15 मिनट आई, किसी की 15 मिनट आई, ओके चलो, तो 15 मिनट के बाद में फिर से लिखते रहे ना, yes, तो मालूम हो जाएगा कि हमको कब स्टॉप करना है। ओके थैंक यू। तो अर्श व्याधि के आयुर्वेद के अनुसार इतने रोग लक्षणों में हम बांट सकते हैं। तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वैसे ही लिखना चाहिए, मांसांकुर के बारे में लिखो, वेदना के बारे में लिखो, रक्तस्राव के बारे में लिखो, मल प्रवृत्ति के लक्षण के बारे में लिखो, और अन्य लक्षण, अन्य लक्षण यानी डिफरेंट सिस्टम के। अभी ये लक्षण को मैंने बांट दिया जितने शास्त्रकारों ने दिए हैं मेरी ओर से, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो रक्तस्राव जन्य कितने लक्षण मिलते हैं जिसको ज्यादा ब्लीडिंग हो गया है, तो वो बोलेगा ये शास्त्र के हैं, मेरे घर के नहीं है। एक भी हम ऐसी टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं, शक्ति सदनम, मतलब तो पांव में ताकत नहीं रही, पिंडिको द्वेष्टनम, पिंडियों में काफ पेन होगा, भ्रम यानी चक्कर जैसा आएगा, साधो अंगे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगा, नेत्र जो हो शोफ, that is a edema due to the anemia, shvayathu generalized edema, Bhagwat ne likha hai mekavah, yani frog jaisa dikhna, discolored ho jana due to anemia, aur dusre pidyate dukhi shonit kshay sambhavai, yani ati shonit kshay jab jyada ho jata hai, acute bleeding hota hai, to uske lakshan yani ayasaj swas yani kshudra swas, baki ke jo lakshan hai wo ho sakenge। और हमारे यहाँ रक्त को ओज भी माना गया है, इसे लिखा हीनो वर्ण बलोत्साह हतौजा, मतलब ये सब रक्त क्षय के लक्षण है, कलुषेंद्रिय। तो इतने सिम्टम्स आएंगे तो वो सब रक्त स्राव जन्य रूप हैं, जो जो व्याधि में ऐसा लिखा है, जो जो व्याधि में यानी जो अर्श में, वात पित्त कफज में, तो उसका समझ ये पेशेंट को किसी वजह से ब्लड लॉस है, चाहे वो विजिबल ब्लड लॉस या अनविजिबल ब्लड लॉस है, उसके ऊपर से हम देख सकते हैं। दूसरे है जीआई ट्रैक के, महासोतस के व्याधि, जो जनरली आमतौर पर ग्रहणी, अतिसार, उदावर्त, जितने साथ में व्याधि है या मॉडर्न की दृष्टि आईबीएस और आईबीडी के सिम्टम्स है, उनके साथ मिलते हैं। अन्य अश्रद्धा, कृच्छ्रात पक्ति, खाने के बाद देर से पचन होना, विष्टम्भ, खाने के बाद विष्टभता जीर्ण जैसे लक्षण, भारी हो जाना वैसे, अंतरकूजनम आटोप, हाथों में गुड़गुड़ाहट होना, उद्गार भुरिता, ज्यादा उद्गार आना, अम्ल कह, मुंह में खट्टा पानी आना, मंद वहनीता, जब खाना खाते तो दूसरी बार खाने की इच्छा नहीं होनी, शकृत भेदो अथवा ग्रह, हमने आगे देखा, गुदेन स्रवता पिच्छाम, वमथु, ज्वर, कटी पृष्ठ पार्श्व मेढ्र गुद नाभि प्रदेश सुवेदना, इट इज ए ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमन, इट मे बी ड्यू टू द यूरिनरी सिम्टम्स, इट मे बी ड्यू टू द जीआई ट्रैक सिम्टम्स। तो इतने सिम्टम्स जब आते हैं
तो हमको इतने डिजीज साइमल्टेनियसली साथ में ये अर्थ में होंगे कोई भी, इसके बारे में सोचना चाहिए। कई सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो यूरिनरी ट्रैक डिजीज के साथ में है, या कोई पेल्विक इन्फ्लेमेशन फीमेल है तो उनके साथ में भी हो सकते हैं। तो क्या क्या है, एक तो प्रभूत मूत्र, दूसरा अस्थिला के सिम्टम्स आयुर्वेद में जो लिखे हैं वो, तीसरा है कटी पृष्ठ पार्श्व, मैंने आगे बताया वो कोलिक पेन, यूरेटरिक कोलिक होगा तब भी ये हो सकता है। आयुर्वेद में तुनी प्रतितुनी ऐसे व्याधि दिए हैं जो यहाँ पर वर्णन इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। शर्करा अश्मरी पीड़ित, जो पेशेंट साथ में लेकर आया कि सर मुझे यूरिनरी स्टोन है, तो उसका मतलब उसकी वजह से, स्ट्रेनिंग की वजह से भी उनको हेमरॉइड हो सकते हैं बार बार। शर्करा अश्मरी पीड़ित, ये सब संस्कृत वर्ड हमारे संहिता ग्रंथकार के है, मेरे एक भी नहीं है। अभी यही सिम्टम्स को थोड़ा मैंने ट्राई किया है आगे पीछे चेंज करके कैसे है, आप इसमें देख सकते हैं मानसांकुर में। अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ज्यादा बताऊंगा। वातार्ष में बहु मानसांकुर लिखे, मतलब बहुत ज्यादा, और शुष्क लिखे हैं, पर उस खर भी है उसमें, कई बड़े भी है कदम पुष्प जैसे, और कई बहुत छोटे हैं सूची मुक्काकृति भी, मतलब यहां से यहाँ सिद्धार्थ यानी सरसों जैदी इतनी साइज के हो सकते हैं, वो सब वातार्ष है। लेकिन चिकित्सा करते वक्त ये साइज का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। हमने आगे देखा तब लक्षण का, वात पित्त दोष का थोड़ा कम, बाकी लक्षण का ही इंपोर्टेंस है, बद्धवीट है या भिन्नवीट है, उदावर्त से है या ग्रहणी से पीड़ित है, श्रावी है या शुष्क है, उसके ऊपर ही इसकी बात आएगी। वातार्ष में शास्त्रकारों ने आमतौर पर रक्त बहुत कम बताया, तो देखा है क्या लिखा है, स रुक्फेन पिच्छानुगतम, ऐसा रक्तस्राव नहीं लिखा है। तो रक्तस्राव ज्यादातर होता नहीं, उनका कहना मतलब वो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसमें मल फिर कैसा होगा, सिर्फ ग्रथित होगा, हार्ड स्तोकम यानी अल्प, स शब्द बहुत गैस होगा, और स प्रवाहन, नहीं प्रवाही का मतलब डिसेंट्री नहीं है, प्रवाहन के साथ में जिसको बहुत प्रवाहन करके, वो हार्ड भी हो सकता है कभी कभी, रुक फेन पिच्छानुगत मतलब हार्ड स्टूल के बाद में वेदना के साथ में फेनिल पिच्छा भी निकलेगी, वो प्रवाहिका का लक्षण है। भागवत ने लिखा है विबद्धम उपवेश्यते, पेशेंट को लगेगा कि अरे मुझे स्टूल पास नहीं हुआ, मुझे बैठने दो बैठने दो, विबद्धम उपवेश्यते, वो लंबे समय तक बैठा रहेगा, लॉन्ग स्टैंडिंग। सुश्रुत ने लिखा है सिर्फ एक ही लक्षण लिखा है, सशूलम संहतम उपवेश्यते, मतलब वातिक अर्श में स्टूल आमतौर पर हार्ड होगा, वो महत्व के है, तो उसके आकार है, उसमें वेदना कैसी होगी, चिम चिमान्विता, मतलब अर्श की जितनी वेदना आगे परिकृति का सब कुछ है वो तो होगी ही, हा? वो तो होगी ही, लेकिन साथ में चिम चिमान्विता यानी हमको कहीं पर जैसे विक्स लगा दिया स्किन पर तो क्या फीलिंग आती है, वो चिम चिमान्विता। तो जब अल्सर हो जाता है तब सुपरफिशियल उत्सर्जन है, तो फीसर में भी ऐसा पेन होगा चिम चिमा, जब एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्पाइल अल्सरेटेड हो गया तब भी होगा, तो ऐसी फीलिंग यहाँ पर हो सकती है वातार्ष में। वातार्ष में और एक लक्षण आगे आएगा वो बाद में हम लेंगे, ये मैंने यहाँ पर चित्र दे दिए है, बहवह, देखो ये कोंडाइलोमा है, बहु होता है, वो पुरुष भी है वो खर भी है, या नीचे एक चित्र दिया है वो वक्र है तीक्ष्ण है, उसको सूचीमुख भी बोल सकते हैं, सूचीमुख मतलब हम जहां से थ्रेड डालते हैं वो देखेंगे, उसका ऊपर का हेड होता है वो बड़ा होता है, फिर उसमें होल जैसा होता है, फिर पतला हो जाता है, तो फिशर विथ सेंटिनल पाइल पेपिला जैसा वो वैसा ही दिखता है, सूची मुखाकृति। जब केचित कदम्ब पुष्पाभा, तो यहाँ पर कैथेटर डाला हुआ है वो मैंने दिया है, वो कदम्ब पुष्प जैसा है। कई खरजूर, एक थ्रोम्बोस्पाइल देखा है आगे मैंने चित्र रखे थे, वो रेड हो जाते हैं, तो खरजूर इस तरह से दिखते हैं, जब छोटे थ्रोम्बोसिस होंगे तो सिद्धार्थ रक्त सब जैसे दिखेंगे। तो ये सब हम जितने चित्र देखे वो वातार्ष के साथ में मेच खाते हैं। दूसरा एक रेफरेंस चिकित्सा में आता है अवर्तमानम, वातज वर्ष की चिकित्सा में, बद्ध वर्ष की चिकित्सा में, अवर्तमानम उत्सुनम कठिने भ्यो हरित अश्रु अर्शो भ्यो जलजा शस्त्र सूची कुर्चई ही पुनः पुनः।
तो ये मैंने जो तीन चित्र रखे हैं आप देखेंगे, दो एक इंटरनल का है, एक इंटरनल के साथ में एक्सटर्नल थ्रोम्बस ज्यादा नहीं हुआ ऐसा है, और दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रोम्बस हुए ऐसे। तो इसमें सिर्फ वेदना वो कठिन होंगे, उत्सुन ज्यादा बहुत वेदने वाले होंगे, बाहर निकले हुए होंगे, वेदनावान होंगे, रक्तस्राव नहीं होता, सब शुष्क अर्श के लक्षण मिलेंगे। तो आप इसमें क्या करना है, जलज शस्त्र कुछ उसमें से रक्तस्राव करना है, मतलब शास्त्रकार स्वीकार करते हैं उसमें रक्त इकट्ठा हुआ है, रक्त इकट्ठा हुआ है मतलब वहां कलेक्शन है, तो इट इज ए थ्रोम्बोसिस। तो वातज आयुर्वेद का थ्रोम्बस हेमरॉइड है, एक इंटरनल उसमें जाएगा, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं। तो हम अर्श को इवन हेमरॉइड को इस तरह से अलग अलग जगह पर बांट सकेंगे। अभी मैंने दूसरा ही शुष्कार्थ लिया, वातज अर्श शुष्कार्थ है, यह भी शुष्कार्थ है, तो उनके लक्षण क्या है, तो श्राव में लिखा है न स्रवंती न भिद्यंते, उसमें से कभी खून नहीं निकलेगा, न स्रवंती न भिद्यंते। अभी कभी निकलता है तो कैसा निकलेगा, तनु अच्छम तनवो, तनु यानी अच्छा, तनवो यानी न घना, मतलब जो गाढ़ा रक्त नहीं इतना पतला, श्लेष्म गुदांकुरवत ऐसा, और अश्रम रक्तम नित्यम, वो बार बार निकलता है, नित्यम स्रवंती। दूसरा कैसा होगा, महामूला उसके डीप सीटेड होगा, उसका मूल बाहर होगा, वातार्थ में मूल बाहर नहीं है, इसमें मूल बाहर है, अल्प मूल है, यह महामूला है, यह घन होगा मतलब सॉलिड होगा, उच्छ्रोणोपचिता बहुत बड़ा होगा, स्निग्ध भी होगा, पिच्छिल भी होगा, स्लक्षण भी होगा, वो खरस्पर्श, स्तिमित होगा, स्तब्ध होगा, वृत्त गुरु स्थिर होगा, ये सब प्रोलैप्स्ड फोर्थ डिग्री हेमरॉइड के जैसे लक्षण है, चाहे वो पोलिप हो, चाहे वो हेमरॉइड हो, चाहे एडिनोमा हो, कुछ भी हो, वो यहां पर फिट बैठते हैं। उसमें लक्षण क्या होंगे, मंद रुजह, क्योंकि वो प्रोलैप्स होकर मंद रुजह, उसमें कंडवाढ्या स्पर्शन प्रिया, पेशेंट को दबाने की इच्छा होगी, पायु बस्ती ना भी विकृति ना, वहां पर उसको कटिंग पेन होता रहेगा। और साथ में लक्षण ये सब दिए हुए हैं, कास श्वास रुल्ला सब प्रसेक, जब दूसरी सिस्टम इन्वॉल्व होने की वजह से ये व्याधि होते हैं तब ये लक्षण साथ में होंगे। तो ये दोनों शुष्कार्थ के लक्षण थे, मैंने ये दो सिम्टम्स रखे, देखेंगे कि मैंने पहले रखा था वो विलस एडिनोमा का है, जिसमें से स्निग्ध पिच्छिल स्राव निकलता रहता है, जो दूसरा पिक्चर है वो प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड है, लेकिन उसका स्फिंक्टर टोन लूज है, आप उसको रिड्यूस करेंगे तो अंदर चला जाएगा फिर वापिस आ जाएगा, डाल दिया फिर अंदर चला जाएगा फिर वापिस आ जाएगा बाहर तुरंत, और उसकी म्यूकोजा अल्सरेटेड हो गई तो उसमें से कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता रहेगा, तो ये रक्तस्राव नहीं होगा इस व्यक्ति में, तो इसको हम कफज अर्श में ले सकते हैं, दिस आर माय ओपिनियन, ऐसी अवस्था को हम कफज, तो एक हेमरॉइड है एक एडिनोमा है, दोनों यहाँ पर मैंने लिए हैं। पित्तार्श, पित्तार्श का मांसांकुर सुख जिह्वा लाल ऐसा, यकृत खंड, जलो का वक्र सन्निवा, यव मध्य तनवो, वो तनु होगा, मृदवह श्लथा, श्लथ यानी मांस को स्वेदन करने के, मतलब उसको कुकर में हमने पका दिया है, उसके बाद में उसका पिष्ट जो होता है वेश्वार बनाते हैं उसको श्लथ बोलते हैं, उसमें से स्राव होगा रक्त स्राव, क्योंकि पित्तार्श श्रावी अर्श है, तो कैसा होगा, तनु होगा पतला अच्छा, नित्यम स्रवंती, तनु यानी घन नहीं होंगे वो, तनु पतले होंगे, घन कौन से होंगे, श्लेष्म गुदांकुर, ये टीका का श्लोक है, तनु वो न घना श्लेष्म गुदांकुर व्रत, मतलब श्लेष्म और रक्तार्श और पित्तार्श और श्लेष्मार्श में फर्क कितना है, तो कितना है, श्लेष्म और गुदांकुर घन है, उसका मल कैसा होगा पित्तार्श में, आम वर्च होगा, मतलब वो पतला होगा, ढीला द्रव होगा, उसका वर्ण रक्त वर्ण भी हो सकता है, पीत वर्ण भी हो सकता है, नील होगा और उष्ण होगा,
ऐसा मल निकलेगा, साथ में ज्वर लक्षण हो सकते हैं, मतलब इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज जो इन्फेक्शन वाले हैं उसके साथ जो होंगे ये अर्श, तब भी ऐसा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लक्षण यहाँ पर ऐसे दिए हुए हैं। अब हम जरा समझे कि इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज में, क्रोन्स डिजीज में बार बार जिसको जाना पड़ता है उसको भी फिसर होती है, वो फिसर मल्टीपल होती है, उस समय पेशेंट को लूज होगा, उसमें दाह पाक के लक्षण होंगे स्थानिक और उसमें इस तरह से होंगे, तो वो भी यहाँ पर ले सकेंगे। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हेमरॉइड्स होंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली व्यक्ति बार बार द्रव पुरिश करेगी, वो रक्तवर्ण का भी होगा, उसमें तनु स्राव रक्तस्राव होगा, वो उसके साथ में जो लक्षण होंगे तो वो मांसांकुर वहां पर इतने ब्लैकिश हो जाएंगे कि वो यकृत खंड जैसे दिखेगा। तो ऐसे इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज के साथ के हेमरॉइड, पोली, फीसर, वो सब कुछ हमको पित्तार्श में लेने चाहिए। कई ऐसे मैंने यहाँ पित्तार्श जैसे लक्षण दिए, एक जो यहाँ पर फर्स्ट है वो फीसर का है, सेंटिनल पाइल है फीसर के साथ में, जो इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज के साथ में है। दूसरा पेशेंट एलिफेंट टाइप का होता है, ये पित्तार्श इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज वाली व्यक्ति, ये सब आप देखेंगे तो उनके साथ के हो सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं यहाँ पर। अभी रक्तार्श देखो, श्रावी और कहने के बाद भी रक्त और पित्त में दोनों में श्राव होता है, उसका मतलब रक्तार्श एक टिपिकल एंटिटी है। तो वह कैसे दिखेंगे, वट प्ररोह सदृशा, मतलब वट के अंकुर जैसे बड़े लाल कलर के होते हैं वैसे, गुंजा जैसे लाल कलर के, विद्रुम यानी प्रवाल के जैसे लाल रक्तवर्ण के, और बाकी के सब लक्षण पित्ताकृति, बाकी के सब लक्षण यानी मांसांकुर के और बाकी के जनरल सिम्टम्स, पुरुष के नहीं, क्योंकि पुरुष के लक्षण अलग से दिए हैं। तो वेदना के लक्षण वो पित्तार्श जैसे होंगे, आकार के लक्षण वो भी पित्तार्श जैसे हो सकते हैं। तो फर्क क्या है, रक्तार्श में स्रवंती सहसा रक्तम, और वहां लिखा है तस्य च अति प्रवृत्त लिंगानि, तो सहसा मतलब पेशेंट बोले कि सर मैंने स्टूल पास किया, अभी तुरंत शुरू हो गया ब्लीडिंग, बहुत होता है, बहुत मतलब जिसमें सिरिंजिंग, स्प्लैश पान, इतना ज्यादा खून निकलता है, ये सब रक्तार्श के लक्षण है। उसका मल कैसा होगा, गाढ़ विट प्रतिपीडिता, यही सिर्फ लिखता है उसका मल गाढ़ होना चाहिए, मतलब वो अबद्ध मल के साथ है, रक्तार्श नहीं है, पित्तार्श है, बद्ध मल के साथ है तभी वो रक्तार्श होगा और उसका वर्ण ऐसा होगा, लेकिन लक्षण बाकी के पित्त के हो सकते हैं। ज्यादा रक्तस्राव होने की वजह से मेका वह, वो सब शास्त्रकारों ने लिखा है, आगे हमने देखे थे, वो लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। उसका मतलब इसको सिवियर ब्लीडिंग होता है, ऐसे पेशेंट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वाले आते हैं, ये उनकी स्टेज के लक्षण दिए हैं मैंने, जो उसको हम रक्तार्श बोल सकते हैं। कोई प्रवाल जैसा दिखता है, कोई अंकुर जैसा दिखता है, इस तरह से मैंने कोई गुंजा जैसा दिखता है, इस तरह से रखे हैं, ऐसे चित्र और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ले सकते हैं। एक सेकंड डिग्री है, एक थर्ड डिग्री हेमरॉइड है, फोर्थ डिग्री हेमरॉइड है, इस तरह के हैं। अभी चिकित्सा में, रक्तार्श की चिकित्सा में यानी श्रावी अर्श के संदर्भ में चिकित्सा में बात आती है, तो वहां पर हमने देखा कि श्रावी अर्श दो प्रकार के होते हैं, उसके अनुबंध होता है, लेकिन पित्तज और रक्तज है, दो प्रकार के हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो पित्तोल बण रक्तम, मतलब पित्तार्श के बाद पित्तोल बणम रक्तम ग्रीष्मतो प्रवर्तते तदेकांतनेन, उसको तुरंत खून रोक देना चाहिए। सो रक्तार्श विक्षय मारु तो कफ से, ऐसा करके उसका रक्तस्राव तुरंत रोकना चाहिए, चाहे वो अनुबंध किसी को नहीं देखा है, उपतोल बण है उसके ज्यादा, मतलब
रक्तार्श ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लीडिंग हेमरॉइड्स, रक्तार्श जिसमें ब्लीडिंग होता है, ऐसे कोई भी मांसाहारुत का अनुबंध कफ उसका अनुबंध नहीं बताता हूं मैं, क्योंकि वो पित्तार्श ही है। इसीलिए अभी अनुबंध श्रावी अर्श में रक्तार्श और पित्तार्श में हम कैसे देखेंगे, उनके लक्षण भी शास्त्रकारों ने दिए, तो पुरुष उसका पूछना चाहिए। शकृत श्यावम खरम रुक्षम अधो निर्याति न अनिलः कटि उरु गुदसुलम च हेतु यदि च रुक्षम तत्र अनुबंधो वातस्य। मतलब अब यहाँ वातार्श में भी रक्तस्राव हो सकता है, ऐसा कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो मल है वो शकृत श्याव खर रुक्ष अधो जो वातज अर्श के हैं वो लिखे अनिल के साथ में, और वेदना भी कटि रूप गुदसुलम लिखा है, वैसा है रक्तस्रावी अर्श, तो उसमें वात अनुबंध। मतलब जो फिसर में कभी कभी रक्तस्राव होता है तो वो श्रावी अर्श हो गया, लेकिन है वातज अर्श, वो वातानुबंध श्रावी अर्श हुआ, उसको हम रक्तार्श नहीं बोलेंगे, उसको वातानुबंधी श्रावी अर्श बोलेंगे, जिसमें देखेंगे आप शकृत श्यावम खरम रुक्षम इस प्रकार के लक्षण, जिसमें श्लेष्मणों यदि विट स्लथा श्वेता पिता गुरु स्निग्धा सपिच्छ स्तिमितो गुदः, इस प्रकार के जो लक्षण मिलेंगे, मतलब उसमें पिच्छा स्राव ज्यादा होता है, तब उसमें श्लेष्म का अनुबंध बनेंगे। मतलब रक्तार्श, प्योर रक्तार्श हम यदि समझे, रक्तार्श जो शास्त्रकारों ने लिखा है जिसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, वो भी दो प्रकार के अनुबंध हो सकता है, वातज का जिसमें हार्ड स्टूल आता है, और बाद में जाकर जिसमें लूज स्टूल आता है तब श्लेष्मना, जिसको कोई अनुबंध नहीं है वो प्योर रक्तार्श है बिना अनुबंध का, जो हमने आगे रक्तार्श के लक्षण देखे, यहाँ पर गाढ़वीट प्रतिपीडित है, या गाढ़वीट स्रवंती सहसा रक्तम, रोज रोज नहीं सहसा, वो पेशेंट शुद्ध रक्तार्श के हैं, बाकी में श्रावी अर्श है, उसमें वात और पित्त का अनुबंध है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ तक हमने अर्श क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का किया, अभी चिकित्सा हम आगे देखेंगे, तो चिकित्सा देखनी है स्टॉप करनी है, आगे देखना है, फिर से आप अपना अभिप्राय लिख दीजिए, शेयर कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि टाइम काफी हुआ है, अजीर्ण नहीं हो जाना चाहिए। दो घंटे हो गए, सब पार्टिसिपेंट्स आप अपना नेक्स्ट सेशन, वो एक आया नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर सर गीतिका सुरेश नेक्स्ट कहने वाले आ गए हैं, तो क्या करना है? सर जस्ट टाइम 2 मिनट्स वी वेट फॉर अ डिफरेंट ओपिनियन, अदरवाइज क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स कम तो होने लगे। यस सर, क्योंकि सब लोगों का फंक्शन होता है, किसी को ओपीडी में बैठना है, किस तरह से है, क्योंकि एक बार चिकित्सा शुरू की तो हमको पूरी करनी पड़ेगी, 5-10 मिनट लेकर नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन आंसर कर दें और चिकित्सा बाद में रखें तो अच्छा रहेगा। एक सजेशन सर, हम चिकित्सा के लिए दूसरा रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, आपकी सर आपकी इस टाइम की अनुकूलता हो तो बता दीजिए, तो हम दूसरा वेबिनार आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं, तो जो लोग कंटिन्यू है मैं हूँ सर, लोग कर, हम सर के साथ डिस्कस कर लेंगे टाइमिंग, बाद में बता दूंगा आपसे, फिर नेक्स्ट, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। पार्टिसिपेंट्स लिख, पार्टिसिपेंट्स अपनी सजेशंस दे सकते हैं डेट और ड्यूरेशन के बारे में, वो दे सकते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर से उनको अच्छा। सर क्वेश्चंस थे, अभी किसी को क्वेश्चन हाँ सर पूछना है तो पूछिए सर, यूट्यूब माथी क्वेश्चंस थे, व्यूअर माथी डॉक्टर मेहुल सांगाणी छे जयपुर में, आई थिंक तमे ओळखता हशो एमने, फिशर के
सर हाँ बोलो आवाज नहीं आ रहा श्रेयस हेलो हाँ श्रेयस तारा आवाज नहीं संभाया हाँ सर फिशर ना पेन ने आपने कई रीते मैनेज कर सो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हाँ दैट वी विल सी इन द व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान ओके सेकंड क्वेश्चन छे हाउ टू डिसाइड फिशर क्योर विथ मेडिसिन और सर्जरी हाँ वो भी हम वहाँ देख लेंगे फिशर के लाइन हम आयुर्वेद के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे तब बता देंगे फिशर की सर्जरी आज थोड़ा भी जवाब बता दूँ दोनों के लिए फिशर की सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो चिकित्सक और रुग्ण के इच्छा अनुसार है कोई मुझे पूछेगा तो मैं बताता हूँ एक्यूट फिशर की चिकित्सा एक्यूट फिशर नॉट एक्यूट ऑन क्रोनिक एक्यूट फिशर कंजर्वेटिव ट्रीट कीजिए बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट आपने परफेक्टली ट्रीट किया फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन और पेशेंट को फिर से न होने के लिए जो मैंने बताया कि अग्नि उसमें सबसे बेसिक पैथोलॉजी है उसकी चिकित्सा कर दी तो वो पेशेंट को फिशर उदावरजन्य या ग्रहणीजन्य भी नहीं होगी तो बार बार उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है सर्जरी कब करनी चाहिए जब मांसांकुर बन गए तब सर्जरी करनी चाहिए ये भी आयुर्वेद का सिद्धांत है क्योंकि मांसांकुर बन गए वरना वो याप्य हो गया हम चिकित्सा में जब ये प्रिंसिपल्स आएंगे तब वो याप्य हो गया तो याप्य शस्त्र साध्य से मिट सकता है तो उस टाइम पर सर्जरी करना अच्छा है तो माय चॉइस इज व्हेन द फिशर इज क्रॉनिक और एक्यूट ऑन क्रॉनिक सर्जरी इज एडवाइजेबल व्हेन द फिशर इज ओनली एक्यूट फिशर देन कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिशर लाइक फिशर फिस्टुला सर्जरी इज मस्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंटर हेमोरॉइडल ग्रू इंटर हेमोरॉइडल ग्रू मुझे समझ में नहीं आया एक्सप्लेन क्या करना मैंने फोटो दिखा दिया है ऐसा क्यों हुआ ऐसा समझना है तो बोथ फ्लेक्सर्स हैव अ डिम ऑन दैट पिक्चर इंटर हेमोरॉइडल ग्रू इज अ पैथोल इट इज अ एनाटॉमिकल लैंडमार्क इट इज अ एनाटॉमिकल लैंडमार्क इंटर हेमोरॉइडल ग्रू इट इज बिटवीन द एक्सटर्नल हेमोरॉइड एंड द इंटरनल हेमोरॉइड इट इज जस्ट बिलो द डेंटेट लाइन जस्ट बिलो द डेंटेट लाइन और एट द डेंटेट लाइन बिकॉज सुपीरियर हेमोरॉइडल प्लेक्सस इज अबव द डेंटेट लाइन इन्फीरियर हेमोरॉइडल इज ए बिलो द डेंटेट लाइन सो वेन बोथ डिफरेंट हेमोरॉइड्स अकर सेपरेटली देन इंटर हेमोरॉइडल ग्रू विल बी वेरी इजीली सीन वेन प्रोलैप्स स्टार्ट फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन एक्सटर्नल पाइल्स डेवलप देन ग्रेजुअली इंटर हेमोरॉइडल ग्रू डिसअपीयर्स There will be one component from external to internal. Then one cannot see internal interhemorrhoidal groove. So next question is, do all type of ulcers may show bleeding in various conditions? सेक्सुअली ट्रांसमिशन और बाय कॉन्टेक्ट कोंडेलोमा एक्यूमेनेटा और फिर उसके बाद में क्वेश्चन है तुम्हारा डू ऑल द टाइप्स ऑफ अर्स मे शो ब्लीडिंग इन वेरियस कंडीशंस No, only Sravi urs will give bleeding. Generally, Pittars and Raktars give bleeding commonly, whereas in Kaphas and Vatas urs, seldom or never. Seldom or never, according to pathology. Do all the types of urs may show bleeding? Please explain the different term, perianal, perineal and perineum. Oh, Kirpal Singh, kya baat hai?
हिरपाल, पेरी एनाल अराउंड द एनस, इट इज इन पोस्टीरियर एनाल ट्राइंगल, पेरिनियल इट इज ए एंटीरियर ट्राइंगल पार्ट ऑफ द पेरिनियम, इट इज ए जेनेटो यूरिनरी ट्राइंगल एंड बोथ व्हेन वी बोथ टेक इट साइमल्टेनियसली देन इट इज ए पेरिनियम. पेरिनियम इज ऑफ पेरिनियम हैज अ टू पार्ट, एंटीरियर ट्राइंगल दैट इज जेनेटो यूरिनरी ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल दैट इज ए एनोरेक्टल ट्राइंगल. So perineum is made of perianal and perineal. I think it's clear. Sanjay Bhavsar, in which patient's proctoscope used? Please give some advice on examination. Okay, when you can pass proctoscope of anorectal clinical presentation, one should do proctoscopy. Basically, question should be when one should not do proctoscopy. When there is a contraindication in each and every case of the presentation like ours, every patient must be examined with proctoscope. Contraindication is that if patient has sundilogoid anal stricture, if patient has acute fissure in ano, in acute fissure in ano after anesthesia, either local or surface anesthesia, one can do proctoscopy. Or when the patient is not ready, these are the three conditions where we cannot do proctoscopy examinations. In do all the types of ERS may show bleeding in various conditions? No. In which patients proctoscope used? Oh, to ho gaya. Is there any possibility of rectal hemorrhoids? Oh, Gohil Riddhibab, I think she may be graduate students. Yes, sir. So she asked this question. Second year student. She is second year student. So let him study. Front oval hemorrhoids are from rectum, from the anatomical anal canal, whereas in the surgical anal canal, oval hemorrhoids are from the anal canal. Doctor says from YouTube live, fissure ke liye vran is proper word or pittaj arsa by Dr. Dev Bhakti. Okay, if we can see vran, yes, we can write down vran, nothing else, huh? Because in basti upadrav netra kshata is there and kshata is also written. So for fissure ke liye hum sirf vran likhenge, to vran is a local sign, it is not a disease. Here your disease is ars, और वहां पर व्रण एक लक्षण है, जैसे आंख का स्वव्रण शुक्ल व्याधि है, व्रण एक लक्षण है, जैसे सर्वसर में मुखपाक एक व्रण है, लक्षण है, व्याधि सर्वसर है, इस तरह से यहाँ पर व्रण वो लक्षण है, फिसर के अंदर का हमारे लिए वो अर्श है. Have you seen सहज अर्श on clinic by Dr. विनय ठाकर? Yes, I have seen sahajars. Sahajars must, we should understood. Sahajars के लिए चरक ने, सुश्रुत ने उसके टीका में जो लिखा है वो बहुत संबद्ध है, जैसा है उसमें शुक्र बीज भाग बीज भागा अवयव की सब बात की हुई है. तो वो आयुर्वेद का सहज व्याधि है या कुलज व्याधि है, दोनों के लिए सुश्रुत ने इसके लिए सहज सब वर्ड यूज किया है, वाग्भट ने इसके लिए कुलज सब वर्ड यूज किया है. ऐसा है तो मैंने देखे हुए हैं ये पेशेंट, उसके सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलते हैं. हाँ, जिन्होंने मुझे थैंक्स बोले सबको मेरे रिगार्ड्स, मेरे ओर से नमस्कार. मेहुल सर, सर थैंक यू वेरी मच सर. लास्ट टाइम व्हेन वी मेट यू चेंज माय कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष. And today you have just changed the thinking about earth of Ayurveda earth. And many other diseases in allopathy diagnosis. So sir, it is just wonderful always to hear you, but this time it was just very thankful from all our global institute and especially from our principal Vedmita madam.
वाइस प्रिंसिपल विजय तेलंग सर और ट्रस्टी सिद्धार्थ भाई मेहता एंड श्रेयस डॉक्टर श्रेयस वालोरिया ऑल आर डूइंग दिस वर्क टू गेट द नॉलेज ऑफ योर्स एंड वी विल अरेंज आफ्टर योर consultation another session for sure. Specifically we will for, finish this topic yes sir. So I thank you from the bottom of my heart actually sir we thank you sir that you share your knowledge with us sir so yes I have shared my knowledge but I have learned a lot by sharing my knowledge because in according to Ayurveda for getting knowledge there are three way adhyayan adhyapan or sambhasa So today I have received the knowledge by adhyapan and sambhasa by the question and answer so again I am thankful for organizing this webinar for allowing my lecture but for sharing my knowledge and for getting knowledge to me and have a contact with those who want to learn it is my pleasure to explain what I have learned it is my ऋषि ऋण मुक्ति गुरु ऋण मुक्ति व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम अवर ऋषिस फ्रॉम अवर शास्त्र इफ आई कैन नॉट शेयर विथ माय स्टूडेंट्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देन आई कैन नॉट मेक फ्री फ्रॉम द ऋषि ऋण सो इट इज अ वन टाइप ऑफ ऋषि ऋण फॉर मी ऋषि ऋण मुक्ति फॉर मी थैंक यू अगेन थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड विद lots of enthusiasm so we all thank from our bottom of our heart to everyone who is involved in this mega event thank you very much